सो गाइस हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, आप इनसे इनका नाम पूछिए। क्या नाम है भाई? मनीष बरनवाल, बिहार से। बिहार से हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिहार से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो काफ़ी डाउट्स में रहते हैं, वो क्या पता काम सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, उनका भरोसा नहीं होता इन सब सारी चीज़ों में। उधर जरा आप लाइव की तरफ देखिए और व्यूवर्स को बताइए, क्योंकि देखिए आप अगर सर उधर करेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि आप काम नहीं सीख रहे हैं। तो चलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो बिहार से आते हैं स्टूडेंट वो काफ़ी डाउट्स में रहते हैं, तो क्या आप भी जब आए थे डाउट में थे? हम तो सर बहुत डाउट में थे कि क्या पता एक मंथ में हम काम सीखेंगे या ना सीखेंगे, इतना दिन में मेरी पूरी होगी ना होगी। हम कॉल पर भी बात किए थे सर से, हम एक बार नहीं बहुत बार बोले थे, बट यहाँ आए हम एक से दो दिन चार दिन जब काम किए तो हमको खुद मालूम पड़ गया ही। तो अदर मतलब इंस्टीट्यूट के लिए 3 महीने 4 महीने है, जो यहाँ हम एक बार मतलब आते हैं 24 घंटे में 12 घंटा से 16 घंटा हम कंटिन्यू हम लोग प्रैक्टिकल थ्योरी होता है, जो यहाँ पर हमको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला, जो 25 दिन भी हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है, देखिए लोग इस इंस्टीट्यूट पे आने पर सर, हाँ लोगों को ऐसा लगता है कि एक महीने में क्या काम सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। ये डाउट होता है, कॉमन सी बात है, होता है हर किसी में होता है गाइस। लेकिन अभी देखिए हमने कुछ नहीं कहा, ये स्टूडेंट के जुबान से है कि ये काम सीख पा रहे हैं, और इनका कहना है कि 25 दिन एक महीना भी बहुत ज़्यादा है इस इंस्टीट्यूट के लिए सर, बहुत ज़्यादा है। अदर इंस्टीट्यूट के लिए वो तो 3 महीने भी कम है सर। तो यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कल क्या सेक्शन था आपका? कल मेरा डेट का सेक्शन था। डेट का सेक्शन था, तो डेट सेक्शन आप पहले किस नज़रिए से देखते थे और आप किस नज़रिए से देखते थे? सर उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था, क्या है बोर्ड में ही सब दिख रहा है, उस सब का नॉलेज कुछ भी नहीं था। बट हम एक एक कंपोनेंट एक एक उसमें सारी चीज़ें उस सब हम बता सकते हैं, एक एक आईसी को हम पहचान सकते हैं, हमें सीट का डेट है कैसे हमको निकालना है कैसे चेक करना है वो सब सारी हम कल भी सीखे और आज भी हम उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो आपका डेट सेक्शन एक दिन का है क्या? नहीं सर, मेरा डेट कितने दिन का है? टोटल 3 दिन का है। 3 दिन का है। जो पावर का सिक्वेंस होता है, देखिए डेट सेक्शन जो मेन क्लास होता है, जो कि आपको एक सिक्वेंस बताया जाता है किस तरीके से आपको काम करना है, क्या हाफ शॉटिंग है क्या फुल शॉटिंग है, सारी चीजें होती हैं। हाँ सर, हर एक चीज बताया गया, फुल शॉट, हाफ शॉट, मैरो शॉट, नैनो शॉट, और जो आप डीसी मशीन का एम्पियर देखते होंगे। हाँ सर, आपको क्या डीसी के बारे में जो सर ने कल बताया है सीक्वेंस बताया है कि क्या रीडिंग आएगा तो आपको इमेंसिव काम करना है, क्या रीडिंग आएगा तो आपको पावर पे काम करना है, क्या रीडिंग आएगा तो आपको सीपीयू काम करना है जी सर, और कब कब आपको बग चेक करना है, कब बीपीएस चेक करना है, ये सब सारी चीजें हमें बताया गया और इसका फुल नॉलेज है। फुल नॉलेज है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कैसा लगा देव सर के साथ में क्लास? बहुत सर, देव सर इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि पूरा हम जितना इस इंस्टीट्यूट के बारे में मतलब जितना भी लोग आना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट टीचर है सर। अच्छा, बेस्ट है। देखिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकली सारा काम सर करते हैं। सर देखिए अगर एक टीचर होते वो इस बस ओनली टीचर होते तो आपको एक थ्योरिकल नॉलेज मिलता है, लेकिन जो सर देते हैं नॉलेज वो प्रैक्टिकली नॉलेज होता है पूरा। हाँ, वो भी सारे मतलब सारे फंक्शनों का एक निचोड़ होता है देखा जाए तो, है कि नहीं है जी सर? तो ऐसा कोई आपको कुछ कोई सा भी ऐसा लगा जिसमें आपको डाउट लगा हो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, कोई सा ऐसा सेक्शन हुआ जो देव सर के साथ में जो आपको डाउट हुआ हो कि ये सेक्शन मेरे से नहीं बनेगा? नहीं सर, ऐसा तो कहीं हमें फील नहीं हुआ कि जो मतलब देव सर ने हमें पढ़ाया हमें बताया उसमें कोई हमको दिक्कत हो, हमने सारी वो बात को समझा सीखा, और वो पढ़ाने के साथ साथ हमको एक बार दो बार नहीं बल्कि बहुत बार वहीं पे हम लोग का प्रैक्टिकल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ से 5-7-6 घंटे का हम लोग जो थ्योरी चलता है थ्योरी के बाद फिर भी हम लोग यहाँ के 6-7 घंटा प्रैक्टिकल कितना जरूरी है एक बार बताइए सर? प्रैक्टिकल तो हर हाल में सर बहुत जरूरी है, जितना थ्योरी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा सर प्रैक्टिकल की भी जरूरी है। देखा जाए तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए अगर आपको थ्योरी ना दी जाए तो प्रैक्टिकल करने का क्या मतलब? कोई मतलब सर नहीं। अगर आपको ओनली थ्योरी प्रैक्टिकल दी जाए तो बिना थ्योरी का काम नहीं चलेगा, तो देखिए दोनों होना जरूरी है, ये बैलेंस बना के चलता है आपका। तो ओवरऑल मैं पूछना चाहूंगा अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए क्या बोलना चाहिए? उसके लिए हम यही कहेंगे कि एकदम वेलकम है, आए और अपना फुल पैसा वसूल करके जाए। वसूल करें? पैसा वसूल हो रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में एक और स्टूडेंट हैं, इनका नाम आसिक है और ये जम्मू कश्मीर से हैं। कहाँ से हैं जी? कश्मीर से हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं, इतने दूर कश्मीर से यहाँ आए हैं और आने के बाद से इनका जो डाउट था, क्योंकि देखिए आने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डाउट आता है कि मैं सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा, सबसे पहले मैं हम इनसे यही पूछेंगे कि इनको डाउट था कि नहीं था? डाउट था आपको? बहुत डाउट था। अब मैं पूछना चाहूँगा अब क्या लग रहा है आपको? अब क्या बताएं कि थोड़ा सा तेज बोलिए। पहले तो हमारे पास कुछ नॉलेज ही नहीं थी। हाँ मतलब जब यहाँ हमने वो कंपोनेंट की क्लास वो अटेंड किया तो उसी टाइम मुझे लगा कि मैं जीरो हूँ। अच्छा, आपको लग गया था? आप कितने सालों से इस मोबाइल के फील्ड में? 13 सालों से हैं और डे 1 के दिन ही इनको लग गया था कि ये जीरो है। हाँ।
तो देखिए अभी इनका ये घमंड नहीं है, इनका ये खुद का सोच है कि हाँ ठीक है 13 साल से काम कर रहे थे पर इनको प्रॉपर नॉलेज नहीं था। पर अभी मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन हुए हैं देव सर के साथ में, आपका जो कल डेड सेक्शन हुआ है, लोगों को नेटवर्क सेक्शन बहुत हार्ड लगता है, डेड सेक्शन बहुत हार्ड लगता है, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब आपको क्या लगता है, आप जीरो हैं? फैबुलस, आज हम वो काम कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। देखिए ये कॉन्फिडेंस है, अभी 13-14 दिन की ही क्लास हुई है देखा जाए तो, और अभी भी क्लासेस इनकी बाकी हैं। अभी आज इनका डेड सेक्शन का डे टू चल रहा है, इनका डे वन जो हुआ देव सर के साथ में हुआ, कैसा हुआ था इनका डेड सेक्शन, मैं इनके मुँह से जानना चाहता हूँ, बताइए। फैबुलस, वो क्लास जो थी वो मेरे लिए सरप्राइज था, बहुत ही अच्छा रहा। देव सर ने जैसे समझाया, मुझे लग रहा है कि दुनिया का वो कोई सेट ही नहीं होगा जो हम नहीं बना पाएंगे। डेड सेक्शन हालांकि बहुत हार्ड लगता है लोगों को, अब तो ये डीसी की रीडिंग देख के ये बता सकते हैं कि इनमें सॉफ्टवेयर का काम करना है, हार्डवेयर का काम करना है, या फिर ईएमएमसी पे काम करना है, या फिर ये वोल्टेज देखा जाए तो चार्जर का केबल लगा के ये बता सकते हैं कि पावर बीपीएच बना रहा है नहीं, बक बना रहा है कि नहीं, कहाँ से बीपीएच जनरेट होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता है? सारी चीज़ें पता है, जो बाहर के लोग हैं उनको ये भी नहीं पता है कि मल्टीमीटर चलाते कैसे हैं, वो अभी भी बीप पे काम कर रहे हैं। 100 रुपये वाले मल्टीमीटर? हाँ, बीप पे खाली बीप जानते हैं वो, टीटी हुआ और उखाड़ दिया तो हो गया काम, हो गया तो नहीं हो गया तो वापस। चलिए अभी मैं बात करना चाहूँगा कि जय सर के साथ में जो क्लास हुई कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। ज़बरदस्त लगा? ज़बरदस्त, जबरदस्त। यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगा, डेड सेक्शन देखने का नज़रिया बदल गया? नहीं, पूरा नज़र बदल गया। और अभी आज क्या क्लास थी आपकी? आज वो हमारी हाफ शॉट फुल शॉट। हाफ शॉट फुल शॉट, तो हाफ शॉट और फुल शॉट में किसी भी तरीके का कोई डाउट? नो। यहाँ प्रैक्टिकली कितने फ़ोन मतलब डायग्नोस हुए हैं? तकरीबन 30 तक, 25-30 फोन डायग्नोस हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई फॉल्ट हुआ है जो मतलब यहाँ पे उसको डायग्नोस करने के बाद वो बना ना हो या फिर शॉर्टिंग निकली ना हो? ना ना, हर एक फ़ोन की शॉर्टिंग निकली है और जिसमें एमएमसी की प्रॉब्लम है वो हम कल सीखेंगे। कल सीखेंगे तो बना, फ़ोन रिपेयर भी हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि बस शॉर्टिंग हटा दिए पकड़ा दिए? ना ना, रिपेयर भी हुए हैं। देखिए लाइव सेट है ये और इनके पास भी डेड फोन्स हैं, ये अभी इनकी प्रैक्टिकल की क्लास चलेगी और ये उसी फ़ोन को दोबारा से डायग्नोस करेंगे और बाकी फ़ोन्स भी हैं। हाँ, है कि नहीं? हाँ, बहुत फोन है। चलिए ठीक है, ओवरऑल मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके, काम सीखने को मिल रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा इसलिए आ रहा है कि कुछ सीखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हैं, थ्योरिकल नहीं है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हैं। यहाँ पे अगर सर के साथ में अगर थ्योरी चलता है तो उसमें भी प्रैक्टिकल ही चलता है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए क्या रिकमेंड करेंगे? एक बात मैं रिकमेंड करूँगा कि टाइम पास वाला यहाँ ना आए, टाइम पास वाला यहाँ ना आए, जो 14-15 घंटा काम कर सके वही आए भाई। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर आप 2-3 घंटे में थक जाते हो तो भैया बिल्कुल मत आइए, अपना पैसा वेस्ट करेंगे। जो सोता होगा वो भी ना आए, ना आए, ना आए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे एशिया टेलीकॉम फेसबुक पेज पर, और मेरा नाम है फातिमा और हमारे साथ दीपक सर भी हैं। तो चलिए हमारी जो भी अभी तक की क्लास थी, आज हमारी हाफ शॉट और फुल शॉट की क्लास थी, तो स्टूडेंट्स से थोड़ी बातें करते हैं कि उनको ये सारे सेक्शन क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा नाम वाल्मीकि है। वाल्मीकि है आपका नाम, ठीक है। तो आज हमारा कौन सा सेक्शन था, कौन सी क्लास थी? आज हाफ शॉटिंग और फुल शॉटिंग का क्लास था और कल डेड सेक्शन था। कल डेड सेक्शन था, तो अभी जैसे आपने कल डेड सेक्शन लिया, आज हाफ शॉट फुल शॉट की क्लास ली है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई है कि नहीं हुई? बिल्कुल क्लियर हुआ, पहले तक कुछ पता नहीं था हाफ शॉटिंग क्या होती है, फुल शॉटिंग क्या होती है। हाँ। और डेड सेक्शन तो बहुत डर लगता था डेड सेक्शन मोबाइल चुनने के लिए। तो कैसा था कल देव सर का डेड सेक्शन? बहुत अच्छा था, प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरी भी कराया और बहुत क्लियर किया, जीरो से लेके ऊपर तक जितना भी डाउट्स था जितना भी, पूरा का पूरा क्लियर किया डेड सेक्शन का। ठीक है, तो डेली जो हमारी क्लास रहती है उसका थोड़ा सा टाइम बताइए, कितने कितने घंटे होती है? डेली कम से कम 12-13 घंटा होते हैं, 6 घंटा तो थ्योरी जाते हैं, 7 घंटा के आसपास प्रैक्टिकल में जाते हैं, कभी कभी 15 घंटा भी हो जाता है। 15 घंटे टाइमिंग का कुछ है नहीं, जो मेहनत करने वाले को टाइम नहीं दिखता है, जो सीखने का नॉलेज लेना है तो टाइम का कोई मायने नहीं रहता है। ठीक है, मतलब आपके कहने का ये है कि डेली आप जो भी सेक्शन ले रहे हो उसका प्रैक्टिकल आपको ही करना है, इसको करने में आपको कितनी भी टाइम हो जाए पर आप उसको क्लियर करके? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करके
शुक्रिया दें। ठीक है, तो आप सेटिस्फाई हो कि नहीं हो आकर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कुछ बातें दीपक सर भी करेंगे, दो क्वेश्चन हम भी पूछ लेते हैं इनसे। तो चलिए, क्या नाम है आपका? वाल्मीकि। वाल्मीकि जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो डेड सेक्शन देखने का जो नजरिया था, इनसे पूछते हैं नजरिया, क्योंकि देखिए डेड सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन जो होता है काफी टफ लगता है लोगों को देखने में, बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। अभी इनसे पूछते हैं कि अब इनका जो डेड सेक्शन देखने का नजरिया है और जो डीसी मशीन ये यूज करते हैं, जो पावर सिक्वेंस होता है इसका, इन सब चीजों के बारे में पूछते हैं कि इनका क्या नजरिया है उसको देखने का। वो तो बहुत पूरा चेंज हो गया, पहले तो कुछ पता था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो फ्रेशर हूँ और मेरे लिए एक स्कूल में जाता है पहली दूसरी तीसरी जैसे है, और ए टू जेड जीरो से लेके ऊपर तक ऑल टोटल चीज डीसी मशीन के बारे से लेके रीडिंग क्या होती है और डेड सेक्शन में कहाँ से कहाँ जाता है वो देव सर ने इतना क्लियर किया, वो एक डायग्राम के साथ में, जैसे एक फिल्म दिखाने के जैसा पिक्चर जैसा देखा था, वो छाप हमने छोड़ दिया। मतलब आपको ऐसा लगा मूवी देख रहे हैं? यस, मतलब इंजॉय किया आपने पूरे क्लास को? बिल्कुल, एंजॉय के साथ में नॉलेज भी दिए सर। हाँ, तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो डेड सेक्शन सर के साथ में हुआ, यहाँ प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल बिल्कुल। अपने साथ डेड फोन कितने लेके आए थे? मैं चार डेड फोन लेके आया था। चार डेड फोन लेके आया, तो कितने फोन आपने डायग्नोस कर लिए उससे? तीन फोन कर दिया हूं और अभी कर रहा हूं। अभी यहां पे आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल लाइव में है, यहां पे लाइव में आपको दिखा देते हैं। एक डायग्नोस्टिक ये डेड फोन है और ये अभी डायग्नोस कर रहे हैं यहाँ पर। जी सर, तो मुझे बताइए कि अभी डेड सेक्शन डायग्नोस करते आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोलूं कि डेड सेक्शन का क्लास दे दो चार स्टूडेंट को बैठा के, तो आप दे पाओगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, चार के दस स्टूडेंट को भी दे दस स्टूडेंट को भी दे। ये कॉन्फिडेंस लेवल है जो कि अभी 15 दिन हुआ है, अभी जब ये स्टार्टिंग में आए थे तो इनको कैमरे के सामने आने में भी डर लग रहा था। सर जी, पर अभी इनसे बोले कि यहाँ पे समझा दीजिए कोई एक सेक्शन उठा के, लाइट सेक्शन हो या फिर ग्राफिक सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन अब भी उठा के ये समझा देंगे। इनका वीडियो भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा? बिल्कुल 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 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी सर, देखिए वीडियो में। ओवरऑल मैं जाना चाहते हो, कोई आना चाहे तो उसके लिए क्या रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, जब नॉलेज चाहिए तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए और फुल नॉलेज लेके जाइए। जिस भरोसे के साथ मैडम ने आपको यहाँ पे बुलाया था कि आप आइए, अगर चार दिन के अंदर आप काम नहीं सीख पाते हैं तो पैसा रिटर्न दे देंगे, तो वो भरोसे पे खड़े हैं कि नहीं? बिल्कुल खड़े उतरे हैं। आपको बोला गया था कि चार दिन के अंदर कि आप काम नहीं सीख पा रहे हो तो आप पैसा रिटर्न ले लो? बिल्कुल बोला गया था। जी सर, तो आप क्यों नहीं गए? नहीं सर, मुझे नॉलेज चाहिए था, नॉलेज मिला है तो इसलिए मिल रहा है करके मैं बोला, इसे और आज ज्यादा मिल सकते हैं आगे, एक्स्ट्रा मिलेगा तो एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं? आपकी उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा मिल रहा है, जितना चाहता था उससे ज्यादा मिल रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और है तो चलिए हम थोड़ी इनसे बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम ललित प्रजापत है और मैं राजस्थान से जयपुर से हूँ सर। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि आपको राजस्थान से हो, यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एड्रेस वगैरह सब आपके पास पहले से आपको सब बताया गया होगा, क्या चीज़ें लेकर आना है, कब आना है, कहाँ आना है, ये सब? सब मेरे को एशिया टेलीकॉम की तरफ से सब कुछ पहले आइडेंटिफाई कर दिया गया सर। ठीक है, तो एडमिशन से पहले जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आपकी, सबसे पहले तो मैंने क्लास इतना बताया था कि आपकी 10-10, 12-12 घंटे क्लास होगी, तो डेली इतनी क्लास आपकी हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ हो रही है, इससे ज़्यादा ही हो रही है, बल्कि ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, एडमिशन के पहले कैसा लगा था? अच्छा मैंने बताया था क्योंकि तो कि आपके इतना इतना क्लास रहेगा, तो कैसा लगा था? मैं ये सोच के आ रहा था कि मैं 12-12 घंटे कैसे क्लास ले लूँगा या फिर नहीं, नहीं झूठ नहीं लगा था क्योंकि आप भी लाइव वगैरह हमारे देखते होंगे। हाँ, लाइव में देखता आ रहा था मैं पहले से। ठीक है, पहले दिन से आईसी पे काम किया आपने? हाँ, पहले दिन से आईसी पे काम किया। 4G पावर आईसी, सीपीयू ऑन बोर्ड में ये सारी चीजें डन की थी? हाँ डन की थी। ऑन में की थी कि डेड में की थी? नहीं, पहले दिन की जो क्लास थी हमें रिबोलिंग कराने की थी, दूसरे दिन की यूनिवर्सल स्टेंसिल से डबल डेकर सीपीयू की थी, तीसरे दिन मैंने जो ऑन सेट से पावर आईसी निकाल के उसे डेड करके वापस ऑन किया था। क्योंकि अगर आप आईसी पे काम जानते ही नहीं और अगर हम आपको ऑन बोर्ड में डायरेक्ट बोल देंगे कि लो इसका आप 4G पावर आईसी निकालो या आप सीपीयू निकालो, तो वो नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको पहले हमें बेसिक सिखाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ बातें दीपक सर करेंगे। जी मैडम, यहाँ पर क्या नाम है भाई? ललित प्रजापत। ललित जी हैं, आप इनको देख रहे होंगे, डे वन से आप देख रहे होंगे इनको, तो चलिए इनसे पूछते हैं। डे वन से तो मैडम ने पूछ लिया है कि डे वन में इन्होंने आईसी रिवॉल्व किया था, दूसरे दिन में इन्होंने सीपीयू रिवॉल्व किया था और तीसरे दिन में इन्होंने चालू फोन से पावर निकाला था, चौथे दिन में सीपीयू निकाल के इन्होंने फोन को चालू भी किया था। हाँ। ये सब सारा चीज चालू फोन पे हुआ या परंतु फोन पे? सर चालू फोन पे किया है सर सारा फोन। तो अब मैं पूछना चाहूंगा, जिस भरोसे पे हमने आपको यहाँ पे बुलाया था वो भरोसे पे खड़े हैं? हाँ सर, वो भरोसे पे खड़े हैं। उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो आपका डे वन का क्लास था कंपोनेंट वन कंपोनेंट
स्टूडेंट टू और बाकी सेक्शन जो देव सर के साथ में हुआ है वो सारे सेक्शन के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको? सर एकदम बढ़िया लगा, इतनी डीपली कोई समझा ही नहीं सकता। मैं समझाने की बात तो दूर किसी को पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी होगा कि नहीं। मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई क्लासेस लगेगी। मैं भी ये सोच गया था कि मुझे थोड़ी हिंट मिल जाएंगे कि कैसे काम करना है कैसे नहीं। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से जो है यहाँ पे मेरी ये फटाई होगी एक तरीके से। तो सर मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि मुझे ये सब कुछ सीखने को मिला। चलिए ठीक है, अब मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि जो कल सेक्शन हुआ है, डेड सेक्शन हुआ है देव सर के साथ में, और डेड सेक्शन लोगों को लगता है बहुत टफ है, हार्ड है और बहुत मुश्किल वाला सेक्शन है। नेटवर्क सेक्शन होता है बहुत हार्ड सेक्शन इनको लगता है, हालांकि देखा जाए तो जिसको नॉलेज नहीं है उनको सारा सेक्शन ही हार्ड लगेगा। अभी इनसे पूछते हैं कि इनका देखने का नज़रिया कैसा है। हाँ सर ये बात सही है कि हार्ड होता है, लेकिन ये तब तक था जब तक मुझे नॉलेज नहीं थी सर, क्योंकि मैं भी पहले ये सोचता था बोर्ड हार्ड मैं करता ही नहीं था पहले। लेकिन जिस दिन से मेरी डेट क्लास और नेटवर्क क्लास हुई है ना, उस दिन बाद ये जो देखिए सर ये मेरे ये बोर्ड है इन पे मैं वही प्रैक्टिकल कर रहा हूँ सर। और सारे और ये जो बोर्ड है दिखा दीजिए, कोई ऐसा तो नहीं है कि सब गिने चुने बोर्ड हैं? नहीं नहीं सर ये सब चालू। यहाँ पर जरा दिखा दीजिए लाइव में, हम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ओप्पो का बोर्ड है, ये भी ओप्पो का ही बोर्ड है। आप देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से A50 या फिर M सीरीज है, कोई मतलब A सीरीज या फिर M सीरीज है, ये सारे लेटेस्ट बोर्ड है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल डाउनग्रेड वर्जन के बोर्ड पे पढ़ाते हैं, 3G फोन पे पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे कौन से बोर्ड पे पढ़ाते हैं, 4G होता है या 2G होता है? सर 4G होता है सर, 4G होता है क्योंकि 4G का ज़माना है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बोल दूँ कि अभी अपडेटेड आ गए हैं सारी चीज़ें, 5G हो गई हैं। तो 5G के बारे में आपको कुछ बताया गया कि नहीं बताया गया? हाँ सर हमें लाइफ टाइम के लिए सर सपोर्ट रहेगा और 5G का भी, और वैसे भी सर हमें अपडेट मिलते रहेंगे, हम खुद भी कर सकते हैं सर, आपके लिए और बैकअप भी रहेगा सर हमारा, बैकअप। हाँ सर चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डेट सेक्शन अटेंड किए हैं, बूट सीक्वेंस जो होता है, डीसी मशीन देखने का नज़रिया जो है, बोर्ड को देखने का नज़रिया कैसा हो गया? एकदम बदल गया सर, मैं अभी भी जाके शॉप पे काम कर सकता हूँ, आगे की कोई नॉलेज नहीं है। और यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि डीसी मशीन में पावर बटन प्रेस करने के बाद आप ये बता पाएंगे कि नहीं कि इसमें सॉफ्टवेयर करना है कि हार्डवेयर करना है, बता पाएंगे सर? इसमें प्रोग्रामिंग करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, MMC CPU वगैरह डेड है कि नहीं सर सब बता सकते हैं। BPH कहाँ से बनता है, बग कहाँ से बनता है, टेस्ट पॉइंट पे वोल्टेज कहाँ से आता है, सारी चीजें पता चला कि नहीं? सब पता चला। बाय डिफॉल्ट अगर बग फ्लक्चुएशन करता है तो आप उसको स्टेबल कर सकते हैं, कर सकता हूँ मैं कहाँ पे है, कैसे करना है, कौन सी IC पे करना है, सर सब पता है, सब पता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखा आपने बच्चे का फीडबैक, और अभी इनका बस 13-14-15 दिन का क्लास हुआ, ज्यादा 15 दिन का क्लास, और ये है कॉन्फिडेंस। अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई सा भी सेक्शन बोल दूँ यहाँ पे, कोई सी भी IC को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दूँ तो आप उसको कर पाओगे? सर कर पाऊंगा सर। आपका वीडियो भी YouTube पे डाला हुआ है? सर मेरा वीडियो YouTube पे डाला हुआ है सर। आपने समझाया था? हाँ, आपने बना के? मैंने बना के मैंने एक्सप्लेन किया था सर उसे। चलिए ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट वाला नॉलेज देते हैं या फिर टीचर वाला नॉलेज देते हैं? सर एक तरीके से हम तो स्टूडेंट है लेकिन नॉलेज टीचरों वाली मिलती है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं हमें लाइव हमारे एशिया टेलीकॉम फेसबुक पेज पर, और मेरा नाम है फातिमा। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं कि अभी तक इन्होंने जो भी क्लास ली है तो वो सारी इनको क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। तो क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सीरीज वर्मा हूँ और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से। तो आज कौन सा सेक्शन अभी तक हुआ है? सारा सेक्शन हो गया, मतलब कल डेट सेक्शन था, आज हाफ पार्ट हमारी लास्ट क्लास थी कल, है ना? और अभी भी आप लोगों का प्रैक्टिकल खत्म नहीं हुआ है, अभी आप हार्डवेयर का प्रैक्टिकल कर ही रहे हो, चल ही रहे हैं, और अभी आपकी सॉफ्टवेयर की सेकंड डे की क्लास स्टार्ट हुई। हाँ ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं आप इसमें? जी ये डेट था फोन, ठीक है, इसका डायग्नोस किया हूँ, MMC इसका निकाल के वही चेक कर रहा था। ठीक है, अभी एडमिशन से पहले आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ के लिए बताई गई थी कि आपकी इतने घंटे की क्लासेस होगी, ये सेक्शन आपको बताया जाएगा, इतने घंटे आप प्रैक्टिकल करोगे, तो वो सब रियल है कि सब नहीं? सब हो रहा है, सब हो रहा है, उससे ज़्यादा भी हो रहा है। ठीक है, हाँ। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेटिस्फाई हो आके, खुश हो करके? बिल्कुल। ठीक है, कुछ बातें दीपक सर करेंगे। सो हमारे साथ में स्टूडेंट हैं, सिरीज नाम है इनका, और सिरीज वर्मा कहाँ से हो जी आप? मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से हैं। सबसे पहले मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत भरोसे से आते हैं स्टूडेंट, बहुत दूर दूर से आते हैं, ये चाहते तो अदर किसी स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे इनको घूमने फिरने को मस्त इन्जॉय करने को भी मिलता, लेकिन अभी मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप मस्त 12 बजे के बाद चले जाते हो ना घूमने? नहीं। क्यों, चले तो जाते हो, हम लोग तो छुट्टी कर देते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
मतलब पढ़ाई फुल होती है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होती है। प्रैक्टिकल भी होता है, देखिए जो भी थ्योरी हमारी होती है यहाँ पे देव सर के साथ में वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी होती हैं। अगर हमारा लाइट सेक्शन चलता है तो लाइट का हम आईसी उठाते हैं, अगर फॉल्टी फोन होता है तो उसको भी करते हैं। यहाँ पे मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो भरोसे से आए हैं उस भरोसे पे खड़े हैं कि नहीं? बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल। कितने घंटे की क्लास होती है पर डे? लगभग 12 घंटा प्लस भी हो जाता है, 12 घंटे प्लस हो जाते हैं। अगर यही चीज आपको 5 घंटे में कोई पढ़ा के छोड़ दे तो फिर ये कोर्स कितना लंबा हो जाएगा? ये तो साल भर हो जाएगा, 6 महीना साल भर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जो नॉलेज यहाँ पे मिलता है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो नॉलेज यहाँ पे 1 महीने में दी जाती है, अदर कोई इंस्टीट्यूट है जो आपको इस तरीके से नॉलेज दे पाए? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता? नहीं लगता। चलिए ठीक है। यहाँ पे आप जब तीसरे दिन में आपने क्या किया था, चालू फोन से पावर निकाला था? पावर निकाला, फोन को चालू भी किया था? चालू भी किया था। उसके बाद सेकंड दिन वो भी किया था, सीपीयू रिवॉल्व किया था, वो भी चालू किया था, वो भी चालू किया था आपने। अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कल की डेट में जो क्लास हुई है क्या क्लास थी? कल का डाइट वो डेट डायग्नोस था, डेट डायग्नोस का क्लास था। तो डेट डायग्नोस में ऐसा कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि फोन रिपेयर वपेयर नहीं हुए, बने कि नहीं बने? सब बहुत सारे फोन बने, सारे फोन बने, लाइव बने। तो डेट डायग्नोस जो होता है, डीसी का एम्पियर होता है, यहाँ पे कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, बूट सिक्वेंस जो होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता चला कि नहीं? बिल्कुल, पहले तो ज़्यादा नॉलेज नहीं था, डीसी मशीन था, रीडिंग देखते थे, शॉर्ट है क्या है कैसा है, कहाँ काम करना है कहाँ काम नहीं करना है, उतना ज़्यादा जानकारी नहीं था। अब तो ए टू जेड पता चल गया है कि कौन से सेक्शन में काम करना है, कहाँ शॉर्टिंग हो रही है, पूरा ए टू जेड निकाल के अपन देख सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। मतलब अभी कॉन्फिडेंस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो कितने सालों से आप मोबाइल के फील्ड में हो? मैं लगभग 10 साल हो गया, 10 साल से हो गया। और 10 साल का कॉन्फिडेंस और यहाँ पे 15 दिन का कॉन्फिडेंस का डिफरेंस क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। पहले आना था मेरे को, पहले आना चाहिए, लेट कर दिए इन्होंने, देख रहे होंगे आप, सुन रहे होंगे इनको। तो ओवरऑल अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्पेशली क्या बोलना चाहेंगे आप देव सर के लिए, जिनके साथ आपका डेट सेक्शन हुआ है। हालांकि डेट सेक्शन बहुत हार्ड माना जाता है, हार्ड होता है कि नहीं होता है? अब तो इजी हो गया, पहले हार्ड था, पहले अब मतलब कल मॉर्निंग था, पहले इजी हो गया। मतलब कल मॉर्निंग में हार्ड था, जैसे शाम हुआ पूरा मतलब ए टू जेड बताया सर, उसके बाद तो नॉर्मल हो गया। क्या क्या आप डीसी की रीडिंग देख के आप क्या क्या बता सकते हैं उसमें? वही फॉल्ट क्या है, सॉर्टिंग है, ईएमएमसी प्रॉब्लम है, सीपीयू में प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का दिक्कत है, सॉफ्टवेयर का बाय डिफॉल्ट बग फ्लक्चुएट करता है, तो भी बता सकते हो आप कहाँ से है सब? चलिए ठीक है। ओवरऑल मैं अब इनसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई आना चाहे इनके वहाँ से या फिर कहीं से भी आना चाहे तो क्या रिकमेंड करेंगे ये? बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो ऐसा टाइम ज्वाइन करें। ज्वाइन करें, पैसा वसूल है? बिल्कुल, आपका हो रहा है? सबका हो रहा है, सच बताइए, झूठ? मेरा हो रहा है, हो रहा है मेरा। चलिए ठीक है, थैंक यू, इनका भी पैसा वसूल हो रहा है। आप आएंगे, आप ज्वाइन करेंगे तो आपका भी वसूल हो जाएगा। यहाँ पे ज्वाइन करने का प्रोसेस है कि अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अबाउट सेक्शन में जाके आप नंबर निकाल सकते हैं, वहाँ पे फातिमा मैडम का नंबर मिल जाएगा, एमडी सर का नंबर मिल जाएगा, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिटेल चाहिए तो आप आप कमेंट में जाके अपना नंबर भी डाल सकते हैं। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं हमें लाइव और मेरा नाम है फातिमा और मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम बापी है, मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हो तो इतने दूर से हो आप, तो क्या सोचकर आपने एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया? मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ। आगे बढ़ना था आपको? नहीं, ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन बहुत कुछ मतलब अभी जितना थोड़ा आगे बढ़ना है आपको? नहीं, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, जितना सोच के आए थे उससे भी डबल से डबल मिल गया, और भी मिलना है। जी, तो अभी तक लगभग हम देखें तो हमारे हार्डवेयर के लगभग सारे सेक्शन हो चुके हैं, तो अभी तक की जो भी क्लास थी आपको ये कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत, मैं जितना सोच के आए थे उससे भी ज़्यादा मिल रहा है। तो सारे प्रैक्टिकल सारे सेक्शन के आपने किए हैं? जी सब। अच्छा ये बताओ, जिस दिन आपका थ्योरी हो रहा है किसी भी सेक्शन का, चाहे नेटवर्क हो, चाहे चार्जिंग हो, चाहे आपका डेड सेक्शन हो, तो उसी दिन उसका प्रैक्टिकल करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी था, और क्या जितना थ्योरी है उससे भी डबल प्रैक्टिकल हुआ होता है, जी। पर, है ना, क्योंकि आप प्रैक्टिकल जब खुद अपने हाथ से करोगे तो आपको क्लियर होता है कि आपसे वो चीज आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि थ्योरी तो सब ले लेते हैं, पर जब आप उसका प्रैक्टिकल करने बैठते हो तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होती है ना। तो सब आपने ही किया है? हाँ मैंने किया है सर, बताया जो कंफ्यूज था वो सर ने क्लियर कर दिया। क्लियर करते हैं जी, है ना। प्रैक्टिकल में कितने टीचर्स होते हैं यहाँ? प्रैक्टिकल में 5-6 टीचर है, प्रैक्टिकल बहुत कुछ बताते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं वो पूछ लेते हैं, तुरंत बता देते हैं।
ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए जो आउट ऑफ कंट्री के स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं लाइव में, तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि अभी हम आउट ऑफ कंट्री के स्टूडेंट्स नहीं सिखा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी सिर्फ इंडिया के अंदर के ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो अगर आगे कुछ भी अपडेट होगा तो वो फिर आपको बता दिया जाएगा, अभी फ़िलहाल आउट ऑफ कंट्री के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। तो कुछ बातें दीपक सर करेंगे। बिल्कुल, बापी जी हैं कहाँ से, वेस्ट बंगाल से? नहीं सर, उड़ीसा से। उड़ीसा से हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि उड़ीसा से इतने दूर क्यों आए, क्यों आए भाई? ज़्यादा जानने के लिए, पहले तो कुछ जान मैंने पूरा न्यूट्रल यहाँ के पहले वहाँ पता चला मैं सब कुछ जानते थे, यहाँ के पता चला मैं कुछ नहीं जानते ऐसे पता। पहले आप आपको लगता था हीरो हैं, पहले इधर आके क्या लगता है? जीरो, पूरा जीरो। काम के मामले में भाई, इनके शक्ल से नहीं हम जस्टिफाई कर रहे हैं इनसे। तो यहाँ पे मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, इनका डेट सेक्शन का क्लास हुआ है कल देव सर के साथ में, और डेट सेक्शन लोगों को लगता है बहुत हार्ड है, पर यहाँ पे ईजी किस तरीके से बनाते हैं, डीसी की मशीन से कैसे बनाते हैं, चार्जिंग एम्पियर मशीन से कैसे चेक कर पाएंगे, और कब सॉफ्टवेयर करना है, कब हार्डवेयर करना है, कब ईएमसी प्रोग्राम करना है, ये सब सारी चीज़ें इनको वही बूट सिक्वेंस के देखने के नजरिए से ही बता देते हैं। अभी इनसे पूछते हैं कि इनका क्या है देखने का नजरिया, बूट सीक्वेंस देख के ये बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। ये जो मदरबोर्ड पहले बहुत डरता था आईसी के मामले में, अभी पूरा देखने का नजरिया बदल गया। पहले आप कभी कभी आईसी पे काम किए थे कि नहीं बताइए? नहीं, कभी काम नहीं कहते, डरने से आईसी खराब हो जाएगा, फिर बहुत मदरबोर्ड खराब कर देते थे पहले, अभी यार खराब नहीं करूंगा। अब मदरबोर्ड खराब नहीं करेंगे। देखिए आप 10 साल से काम कर रहे हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है, तरीका नहीं पता है कि किस तरीके से आपको काम करना है, कितना हीट रखना है, कितना आपको एयर रखना है, ये सब सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं गाइस। आप SMD 2000 का यूज करिए या फिर 20000 का SMD यूज करिए, अगर आपको चलाने का तरीका नहीं पता है तो आप मोबाइल को भी ख़राब करेंगे और आईसी तो होना ही होना है। तो यहाँ पे अब मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे तो ये जो क्विक का SMD यूज कर रहे हैं, हालांकि 15000-16000 का SMD है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे 2000 रुपये का SMD अगर मैं बोलूँ तो ये 2000-2500-3000 का हुआ चलिए, लेकिन इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस है क्या? नो सर, ऐसे का मशीन का कोई डिफरेंस है, उसे ट्रिक जानना चाहिए, ट्रिक जानना चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्सल स्टेंसिल में आपने CPU रिवॉल्व किया कि नहीं? जी जी, सब करके। और चालू फोन से आपने चालू किया कि नहीं दोबारा से निकाल के? 4G आया, 4G सेट से CPU पावर IC CPU सब निकल के फिर ऑन किया, डेट करने के बाद फिर ऑन किया, ये सब कर दिया सर। तो ये जो डेट सेक्शन हुआ है, अभी आप DC की रीडिंग देख के आप बता पाएंगे? जी जी, बता पाएंगे कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, कौन सा हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, और DC पहले तो मालूम नहीं था, डेट सेक्शन क्लास करने के बाद आ गया है जी। नेटवर्क सेक्शन कितना ईजी हो गया आपके लिए? बहुत डरता था लेकिन अभी नहीं डरूंगा। बहुत बड़ा सेक्शन है, PCB में देखा जाए तो सबसे बड़ा सेक्शन जो होता है वो नेटवर्क सेक्शन ही होता है, तो अभी वो सेक्शन छोटा लगने लगा? बहुत छोटा लग रहा है, पहले सेक्शन बहुत रिटर्न तो दे देते थे, कोई कस्टमर आते तो नेटवर्क बन नहीं पाते, लेकिन अब सब बन जाएगा। यहाँ पे लोग WTR चिल्लाते हैं, WTR करके WTR चेंज करते हैं, और उनको पता भी नहीं होता है कि WTR का पूरा नाम क्या होता है, उनको ये भी नहीं पता होता कि WTR का काम क्या होता है, उनको ये भी नहीं पता होता है कि WTR बदल क्यों रहे हैं, सारा रीजन होता है। आप WTR बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, आप एक कोड डाल के पता कर लेंगे कि नहीं? जी जी, सब कोड डाल के जो मूड होते हैं ना वो मूड भी पता कर लेंगे, ये फंक्शन देख के बता सकते हैं गाइस कि इनको WTR पे काम करना है कि नहीं करना है। तो बहरहाल मैं इनसे ये जानना चाहूंगा, क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए जिनके साथ ये सारे सेक्शन हुए हैं इनके? देव जैसे सर दूसरे इंस्टीट्यूट में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी वाला टीचर दूसरे इंस्टीट्यूट में हो नहीं सकते। जो भी उनका क्लास होता है प्रैक्टिकली होता है कि बस थ्योरी होता है? थ्योरी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, साथ साथ जो थ्योरी होते हैं वो तुरंत प्रैक्टिकल करके देखते। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे? बेफिक्र चला ये यहाँ पे आ सकते हैं। पैसा वसूल है? पैसा वसूल। किसकी गारंटी है? मेरा गारंटी है। आज आपका फुल शॉट की क्लास थी तो आपके सामने फोन रिपेयर हुए कि नहीं? जी, 50-60 फोन रिपेयर कर चुके। 50-60 फोन रिपेयर कर चुके, डेड सेक्शन और हाफ शॉट फुल शॉट मिला के। जी सर। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपके फॉल्टी फोन आए हुए थे, आप भी फॉल्टी फोन लेके आए थे? जी सर। आपने उसको डायग्नोस किया कि नहीं? जी सर। फॉल्ट वो चीज मिला कि नहीं मिला? मिल गया। मिल गया? जी सर। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली जो भी चीजें हैं प्रैक्टिकली हैं, और ये जो स्टूडेंट फोन डेड सेक्शन लेके आते हैं या फिर कोई सा भी सेक्शन का फोन लेके आते हैं, ये खुद अपने हाथ से डायग्नोस करते हैं, अगर इनके पास सारी चीजें सुविधाएं होती हैं तो इसको रिपेयर भी करते हैं। तो ओवरऑल मैं इनसे पूछूंगा कि आप रिपेयर किए कि नहीं कोई फोन? किए सर। किए? हाँ सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।
तो आप देख रहे हैं हमें लाइव हमारे एशिया टेलीकॉम फेसबुक पेज पर और मेरा नाम है फातिमा। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इंस्टीट्यूट जो हमारा है वो जबलपुर सिटी मध्य प्रदेश में है और हमारी कोई भी ब्रांच नहीं है, क्योंकि देखिए ब्रांच में वो बात नहीं होती। यहाँ एशिया टेलीकॉम के जो फाउंडर है देवरत्न अग्रवाल सर, तो वो यहाँ के फाउंडर भी है और यहाँ के हार्डवेयर के टीचर भी। अगर आप फिर ब्रांच में दूसरी सिटी या दूसरे स्टेट में हम खोलते हैं तो वहाँ कोई देखने नहीं जा रहा कि वहाँ के टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं क्या दे रहे हैं। तो ये बात पर थोड़ा सा आप लोग गौर करो। हमारे यहाँ पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, अगर आप देख रहे हो हमें पसंद कर रहे हो तो यहाँ आकर यहाँ बैठ करके ट्रेनिंग लो। ना हम ऑनलाइन क्लास देते हैं ना हमारी कोई भी ब्रांच है। तो चलिए हमारे साथ एक और स्टूडेंट है हमारे ही बैच के, तो इनसे कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उड़ीसा को हूँ, मेरा नाम इमरान है। इमरान जी, तो उड़ीसा से यहाँ कैसे आना हुआ आपका, क्या सोच कर आपने एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया? तो दुकान में काम होता था तो हम लोग उसको डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे आने का मकसद तो कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे आए, नॉलेज अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम आप फाउंड नहीं कर पाते थे तो आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। ठीक है, अच्छा ये बताइए एडमिशन के पहले जो बातें आपसे बोली गई थी कि आप पहले ही दिन से आप आईसी पे काम करोगे, आपकी 10-10, 12-12 घंटे क्लास रहेगी और कुछ सेक्शन भी मैंने आपको क्लियर किए होंगे कि ये चीजें आपको बताई जाएंगी। सारा सारा सही है, तो ये आपको सीखने को मिला कि नहीं? एकदम एकदम सब चीज मिला। तो हर एक सेक्शन का प्रैक्टिकल आप ही कर रहे हो जी, है ना? ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम यहाँ पे कुछ भी झूठ बता रहे हैं? नहीं ना, झूठ नहीं है ऐसा। डेली आपकी क्लासेस होती है इतनी? एकदम एकदम, पूरा हार्ड लेवल उससे भी ज्यादा, जितना बोले थे उससे ज्यादा होती है। मतलब ज्यादा मिला कम नहीं? नहीं कम नहीं मिला। हम लोग आते हैं मान के चलिए 10 तारीख जाते हैं 11 तारीख, डेट चेंज हो जाता है। ठीक है ठीक है, तो खुश हो कि नहीं आप ज्वाइन करके? एकदम एकदम। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल बातें हैं जो दीपक सर करेंगे जी। हमारे साथ में स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान जी हैं, तो इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि ये कितने सालों से इस मोबाइल के फील्ड में हैं? 8-9 साल से हो जाएगा। 9 साल से आप इस मोबाइल के फील्ड में हैं, तो आपको ऐसा क्यों रियलाइज हुआ कि आपको काम बढ़ाने के लिए या फिर आपको अपडेट करना चाहिए खुद को? पहले तो कीपैड का जमाना था, अभी एंड्रॉइड आ गया, इसका नॉलेज एंड्रॉइड देखा जाए तो एंड्रॉइड आए लगभग 5-6 साल से ऊपर हो गया है। तो अभी आप अब क्यों आए 5-6 साल के बाद? फाउंड करने में सर बहुत दिक्कत होता है, कुछ समझ में नहीं आता है इसका, आईसी सीपीयू एमएमसी नया नया काम आ गया तो हम लोग को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो इसलिए एडवांस करने के लिए हम लोग आए हैं एशिया टेलीकॉम। चलिए ठीक है, ज़्यादा बातें इनसे नहीं करेंगे, मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ जो दुए सर के साथ में इनका सारा सेक्शन हुआ है उस सेक्शन के बारे में, कैसा हुआ, इनको समझ में आया कि नहीं हुआ, जो सेक्शन उनको थ्योरी में हुआ था वो प्रैक्टिकल में इनको मिला कि नहीं मिला? नहीं, जो भी थ्योरी में होता है वो प्रैक्टिकल में होता है। कितने घंटे का आपका थ्योरी क्लास चलती है? थ्योरी क्लास कम से कम 7-8 घंटे की चलती है। 6-7 घंटे की चलती है। और प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकल क्लास कितने घंटे की चलती है? प्रैक्टिकल क्लास भी आपका वही 8 घंटा चलती है आराम से। तो देखा जाए तो 15-16 घंटे की आपकी क्लास पर डे की हो जाती है, 14 घंटा 13 घंटा 14 घंटा की क्लास हो जाती है। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन का कोई बाउंडेशन है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे जिस भरोसे से आप आए थे, ज्वाइन किए थे आप एशिया टेलीकॉम की, आप आने के बाद यहाँ पे काम सीखेंगे कि नहीं सीख पाएंगे, डाउट्स होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के, क्योंकि आने से पहले ना, क्योंकि देखिए फीस दे रहे हैं, इनको ये डाउट रहता है कि हम घर छोड़ के आ रहे हैं, दुकान बंद करके आ रहे हैं और फीस दे रहे हैं, तो उस फीस में ये उसका बेनिफिट उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे? चलिए इनसे पूछते हैं, ये जब आए थे डाउट में थे कि नहीं? हाँ डाउट में तो था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद से एक पहला दिन से ही पता चल गया है कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, सारा चीज जो भी डाउट होता है सर लोग बोल देते हैं, एक बार नहीं 100 बार बोलते हैं। और ऊपर से आपको गारंटी भी दी गई होगी कि अगर 4 दिन के अंदर आप काम नहीं सीख पा रहे हैं तो आप पैसा रिटर्न ले जाएंगे, मुझे बोले थे सर, मैं बोला कि नहीं, तो यहीं भी मुझे काम तो सीखने मिल रहा है, क्यों पैसे लेके जाऊँ, मना किया, पूछे थे सर मुझे। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा इनसे कि जो डेट सेक्शन की देव सर के साथ में हुई है, कैसा हुआ सेक्शन, जो डेट सेक्शन देखने का नज़रिया है, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो डेट सेक्शन में बहुत ज़्यादा फंसते हैं, नेटवर्क सेक्शन में फंसते हैं, ग्राफिक सेक्शन में, लाइट सेक्शन में फंसते हैं, तो अभी जो सेक्शंस में फंसते थे ये फंसते थे, अभी पूछते हैं कि वो सेक्शन में फंसेंगे कि नहीं? ना ना अभी नहीं फंसेंगे। कौन-कौन से सेक्शन में फंस जाते थे? हर चीज सेक्शन में ही फंसते थे हम लोग, नेटवर्क आ गया, डेटा का आ गया, ईएमसी का आ गया, तो नॉलेज नहीं था, अभी नॉलेज आ गया तो अभी नहीं फंसेंगे, पहले नहीं था ना, कैसे करेंगे, एक मोबाइल आया डेट, हम लोग कहाँ से ऑन करेंगे, कैसे ऑन करेंगे, हम लोग पता ही नहीं, उसी हीट मार दिए, वॉश कर दिए, हो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो रिटर्न ले जाओ, तो अभी क्या है ना, उसको फाउंड कर पा रहे हैं कहाँ से प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ से क्या ट्रेस करके उसको हम लोग बना सकते हैं, वो चीज़ का नॉलेज आ गया अभी। डेट सेक्शन इजी हो गया कि नहीं? नहीं बहुत इजी हो गया, हाफ शॉट फुल शॉट समझ एकदम एकदम एकदम, लाइव जो भी चीजें हुई हैं प्रैक्टिकली हुई हैं जी जी, यहाँ पे स्टूडेंट भी कर रहे हैं प्रैक्टिकल जी जी, तो आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं भी वही कर रहा हूँ सर, सारा सेट लेके आया था घर से, तो बोर्ड जरा दिखा दीजिए, बोर्ड जरा दिखा दीजिए, कौन कौन से बोर्ड है, ऐसा तो नहीं है कि देख पा रहे होंगे, सब डेट पीस था, तो अभी ये डायग्नोस कर रहे हैं आप इसको,
चलिए ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे स्मार्टफोन हैं और लेटेस्ट फ़ोन हैं। ये आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये रियलमी का कोई फ़ोन है यहाँ पे, और ये ओप्पो H3S है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे रेडमी का 3S प्राइम है या फिर नोट 3 है। ये आपका क्या बोलते हैं, ये भी रियलमी का ही कोई फ़ोन है। तो ये सारे अपडेटेड फ़ोन है, ओप्पो वीवो रियलमी के ही फ़ोन है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मतलब हम 3G फ़ोन पे सिखा रहे हैं, तो ये सारे काम जो सीख रहे हैं 4G फ़ोन पे ही सीख रहे हैं। ओवरऑल मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसा लगा क्लास और क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए। सर बहुत अच्छा लगा क्लास, और देव सर के संग जो भी एक बार भी यहाँ टेलीकॉम आ जाता है तो आराम से बहुत कुछ सीखने पाएगा। पैसा वसूल है एकदम सर, पैसा वसूल है। हम लोग को फर्स्ट पर डर लगता था हम लोग सीख पाएंगे कि नहीं, यहाँ आने के बाद जैसा लगता है हर चीज़ हम लोग से ईजी हो जा रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इनके लिए बैकअप प्लान भी है और सारी चीज़ें इनको बैकअप में भी दी जाएंगी। इनका व्हाट्सअप ग्रुप अलग से बना हुआ है और सारी चीज़ें इनको बैकअप में भी मिल सकती हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट इनको ऐसा लगता है कि ये कहीं से आप डाउट में फंस रहे हैं या फिर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बैकअप सपोर्ट भी हमारी तरफ से है, तो ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिए फ्री है। थैंक यू। शिया टेलीकॉम फेसबुक पेज और मेरा नाम है फातिमा। तो हमारे साथ हमारी बैच के एक स्टूडेंट और हैं, तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो हार्डवेयर का पूरा सेक्शन है ये कम्प्लीट हुआ है और एक क्लास हमारी सॉफ्टवेयर की हुई है, तो इसी से रिलेटेड हम पूछेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले? विकी कुमार, कोलकाता वेस्ट बंगाल। विकी है कोलकाता से, ठीक है। एडमिशन के पहले जो भी चीज़ें आपको बताई गई थी तो वो सारी रियल है कि नहीं, और वो आपने की है कि नहीं? सब रियल है, सब रियल है। और हम तो इसका पहले आके जा चुके हैं यहाँ पे, तो मेरा को कुछ कंफ्यूजिंग था और हार्डवेयर नहीं किए थे हम। अच्छा, आप पहले किए थे? जी जी, तो हार्डवेयर अब मेरा सॉफ्टवेयर बाकी था तो आए, तो कंप्लीट कोर्स करके जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो डेली कितने घंटे की क्लासेस होती है? डेली में 12-13 घंटा तो है ही कम से कम, और ज़्यादा भी हो सकता है, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। अच्छा, तो ये बताओ जिस दिन आप उस सेक्शन की थ्योरी ले रहे हो उस दिन प्रैक्टिकल करना जरूरी है कि नहीं? एकदम जरूरी, नहीं करने से तो फिर माइंड में बैठेगा नहीं ना, वो बैठेगा नहीं, है ना। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो कोई भी टाइम लिमिट नहीं है क्लास का, इनके आने का टाइम है लेकिन इनके जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि इनको जो भी ये डेली सेक्शन ले रहे हैं इसका प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तभी इनको क्लियर होगा कि वो चीज़ इनसे आ रही है कि नहीं आ रही, और ये कहाँ पर फंस रहे हैं। तो कुछ बातें दीपक सर करेंगे। हाँ, मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब ये आए थे तो किससे मिले थे आप? सबसे पहले तो देव सर से मिले थे। देव सर से मिले थे, तो आप डाउट में थे? अरे डाउट में तो हम नहीं थे, क्योंकि हमको विश्वास था। हाँ, पहले का विश्वास के मार चुके हैं। देखिए, ये पहले क्लास नहीं किए थे, क्लास देव सर का क्लास नहीं किए थे, किंतु सुने थे, सब लड़का लोग बोल रहे कि बहुत अच्छा कराते हैं, हमको ये नॉलेज मिला। हाँ, सर का फीडबैक मिला था, अच्छा फीडबैक मिला था। तो यहाँ पे मैं आपसे ये बता, आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे, ज्वाइन कर चुके हैं एशिया टेलीकॉम, और उसी भरोसे पे ये दोबारा से आए हैं यहाँ पे फिर से काम सीखने के लिए। तो यहाँ पे ये अभी हार्डवेयर अटेंड किए हैं, ये सॉफ्टवेयर भी अटेंड कर रहे हैं, और ये EMMC को भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो अब मैं आप इनसे ये जानूंगा कि क्योंकि इनका कल डेट सेक्शन था, इनको लगता होगा कि डेट सेक्शन बहुत टफ है, ये भी बहुत बता रहे हैं कि मुझे कुछ दिक्कतें आ रही थी जिसकी वजह से इनको दोबारा ज्वाइन करना पड़ा। तो आप जब पहली बार आए थे तो क्या किए थे आप? हार्डवेयर किए थे, सॉफ्टवेयर किए थे? ओनली EMMC किए थे। तो जो EMMC का कोर्स है ओनली करना चाहते हैं, तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उनको नॉलेज होना चाहिए हार्डवेयर का कंप्लीट, सॉफ्टवेयर का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, जब भी वो EMMC पे काम कर पाएंगे। क्योंकि प्रॉपर नॉलेज जब तक नहीं होगा तब तक आप एक प्रॉपर एक अच्छे प्रोफेशनल टेक्नीशियन नहीं बन सकते हैं। सकते हैं क्या? सही बात है। बताइए, अगर आप डायरेक्ट बस EMMC चल करके चले गए थे यहाँ से, तो आपको प्रॉपर काम बन रहा था? सक्सेस नहीं हो पाएगा सर, सक्सेस नहीं मिल पाता। देखिए, स्किल जो होती है डे वन से ही मिलती है। एक आपको छत पर चढ़ना होता है, तो आप एक सीढ़ी वाइज सीढ़ी चढ़ते हैं, एक बार में 10 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। तो आपने एक बार में 10 सीढ़ी ही चॉइस किया था? जी सर, अब उतना आइडिया नहीं था ना, कोई समझाने वाला था नहीं था, कोई इनको गाइड करने वाला नहीं था। हमको हाईलाइट था कि MMC या कुछ आ रहा नया, चलो उसको सीख लेते हैं। अब कल में और आज में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है सर, डिफरेंस है। अब ये जो भाई जो बोले कि डेड आ रहा है तो क्या करो, ब्रश से वाश करो, ये सब करो, ये सब हम भी कर रहे थे, किंतु अब वो काम नहीं, अब प्रॉपर वे सेक्शन वाइज काम होगा प्रॉपर वे में। हम शुरू से कि कहाँ से क्या देखना है, अगर डीसी रीडिंग लगा के चेक करना है कि हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर की MMC, उसके हिसाब से काम करना है। मतलब अभी आपका जो डेड सेक्शन देव सर के साथ में कल हुआ है, अभी आप डीसी मशीन में लगाने के बाद, पावर बटन प्रेस करने के बाद, आप डायग्नोस करके बता पाएंगे कि क्या करना है आपको? जी बता देंगे कि सॉफ्टवेयर है कि हार्ड है कि MMC है, ये चीज़ तो नॉलेज नहीं था, इसके चलते हम लौटक रहे थे। अब देव सर का चलते अब क्लियर हो चुका है, अब अटकने का चांस नहीं है, और
आज फाइनल हो गया, हार्डवेयर तो खत्म ही है, अब सॉफ्टवेयर चल रहा है, फिर एमएमसी स्टार्ट। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, अगर कोई ओनली अगर एमएमसी करना चाहे या फिर कंप्लीट कोर्स करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए, अगर ऑनलाइन कोर्स करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? ऑनलाइन तो फायदा नहीं है, समझ में आएगा ही नहीं, और प्रोफेशनल बनना है तो कंप्लीट कोर्स करना है, उसके लिए एससीके टेलीकॉम आना ही पड़ेगा। यहाँ पे किसी एक सेक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर वन एक ही टीचर है? नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है प्रैक्टिकल में आपको एक टीचर मिलते हो? नहीं नहीं, बहुत सब हर तरह से सर लोग का गाइड रहता है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप एक आवाज लगाइएगा सर दौड़ के आ जाता है, क्या समस्या बोलो बोलिए। यहाँ पे अगर मैं स्किल की बात करूँ तो कोई ऐसा कोई टीचर है यहाँ पे जिसके पास स्किल ना हो या फिर एक महीने दो महीने काम सीखने के बाद यहाँ पे टीचर बने? नहीं नहीं नहीं, सब सब ऑलराउंडर है, सब सब सर एक्सपीरियंस होल्डर है कि नहीं? जी जी, सब एक्सपीरियंस होल्डर है सर। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेशली पूछना चाहूँगा देव सर के लिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? देव सर के लिए तो ताली बजाएंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, उनके लिए ताली का। चलिए, क्योंकि देखिए शब्द नहीं होता है उनके लिए, क्योंकि जज नहीं कर सकते किसी से, किसी से लेवल है, बहुत एडवांस लेवल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, देखते रहिए लाइव, और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पर देखिए, हमें फॉलो करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहीं आएंगे, ठीक है ना? देख रहे हैं हमें लाइव हमारे एशिया टेलीकॉम फेसबुक पेज पर, और मेरा नाम है फातिमा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप हमारे जो डेली के लाइव क्लास है आप ये भी देखो, उसके बाद आप एडमिशन के लिए मुझे कॉल करो तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। और दूसरी बात कि जब आप यहां आओगे तो डायरेक्ट आपको पहली क्लास में नहीं बैठना है कि आप सीधा फीस दे दो और पहली क्लास में बैठ जाओ, आपको एक दिन पहले हम एक काउंसलिंग क्लास भी देते हैं, और अगर वहां से भी आपको नहीं जम रहा है, आपके हिसाब से नहीं है, तो आप रिटर्न हो सकते हो, उसके बाद आपको फीस देना है, पहले नहीं देना है। तो हमारे साथ हमारे एक और स्टूडेंट है, तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सुनील कुमार है, पंजाब का रहने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो एशिया टेलीकॉम कैसे आना हुआ आपका? किस्मत में लिखा था। किस्मत में लिखा था, तो मतलब यूट्यूब आपने देखा, फेसबुक देखा, नहीं, क्या देख के ज्वाइन किया? मैं अपने आप को लक्की मानता हूँ, मैं ना यूट्यूब देखा ना कुछ। अच्छा, खाली मेरे यहाँ पे साला और मेरा मामा का लड़का जॉब करता था आर्मी में, और मैंने उनसे ऐसे बात की थी, मैं लकी मानता हूँ अपने आप को। ठीक है, तो एडमिशन से पहले जो भी चीज़ें आपको बताई गई थी वो सब कुछ यहाँ सीखने को मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला, मैम मिला, सारी चीज़ें क्लियर हैं? ओके। कोई ऐसा तो नहीं कि मतलब कुछ आपको झूठ बताया गया हो, कितने घंटे की क्लास नहीं रहती, या आपको मैंने बोला था आप पहले दिन से आप आईसी पे काम करोगे, आप तीसरे दिन आप ऑन बोर्ड में 4G पावर आईसी निकालोगे, चौथे दिन आप 4G सीपीयू डन करोगे, तो ये सारी चीज़ें जेन्युइन है कि नहीं? नहीं जेन्युइन है, जो बोला था वो हो रहा है। ठीक है, तो खुश हो आप ज्वाइन करके? खुश है, टाइम का तो कोई टाइम टेबल नहीं है, 22 को आते हैं 23 को जाते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्या है, जो मेहनती स्टूडेंट्स है वही टिक पाएंगे, क्योंकि हमारी क्लास की कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है, और आपको पूरा एक महीना यहाँ के लिए देना पड़ेगा। कुछ बातें दीपक सर करेंगे। हाँ, हमारे साथ में सुनील जी हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ से हैं सर आप? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से हैं, तो पंजाब से स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं हर महीने हमारे वहाँ, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा बैच नहीं है जिस बैच में हमारे पास पंजाब से स्टूडेंट ना आए। उनके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत डेडिकेशन होता है उनके में, वो काम सीखने को लेके बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, है कि नहीं? वो कभी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब दो घंटे चार घंटे थक गए जाके नीचे चाय पी के आते हैं, हालांकि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है यहाँ पे, अगर क्लास में बैठ गए आप तो निकलने को भी नहीं मिलता है, अगर पानी पीना है तो ही जा सकते हैं। सही बात है, तो थोड़ा सा तेज बोलिए आपकी आवाज़, पंजाब हरियाणा लुधियाना सारी जगह जानी चाहिए, जाएगी नहीं जाएगी? वो जाएगी, अगर ज़्यादा बोलूँगा मेरा ना तो आज थोड़ा सा गला खराब है, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, वरना अभी आवाज़ इनकी सुनने आवाज़ तो बाहर जाती है, माइक की भी जरूरत नहीं पड़ती, माइक की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैं अब इनसे जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो सेक्शन हुआ है देव सर के साथ में, डे वन से लेके अभी तक का कैसा लगा? नहीं बढ़िया है सर, देव सर जो हैं उनका जो नॉलेज है बहुत हाई नॉलेज है उनका, और जो वो पढ़ाते हैं ना बहुत हाई लेवल से पढ़ाते हैं वो। तो इनका इनके मुंह से आप सुन रहे हैं देव सर के बारे में, अभी मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि ये मोबाइल फील्ड में कब से हैं? मैं 6-7 साल से हूँ। 6 साल से इस मोबाइल के फील्ड में हैं, और अभी इनसे ये पूछते हैं कि सेक्शन जो ये अभी तो ये काम करते रहे होंगे, पर कौन कौन से सेक्शन में इनको क्या प्रॉब्लम आती थी ये भी जानते हैं इनसे। सर सेक्शन में प्रॉब्लम तो तब आनी थी अगर सेक्शन का पता होता, वैसे करते थे तो कैसे काम बन गया, हीट मारी बन गया तो ठीक है, नहीं तो डेड फोन आता था तो क्या करते थे आप? बस हीट मारते थे, हीट मारते थे। अगर चार्जिंग वर्जिंग का दिक्कत आता था तो क्या? हाँ वो कर लेते थे, चार्जिंग वर्जिंग, पिन चेंज करते थे या फिर आईसी कर, थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं, थोड़ा बहुत काम करता था पहले, लेकिन जैसे यहाँ पे नॉलेज मिला ना तकनीक बाई तकनीक स्टेप बाई स्टेप, वो नॉलेज नहीं थी। चार्जिंग का सेक्शन आपका देव सर के साथ में जो हुआ था, अब चार्जिंग आईसी कौन सी है, चार्जिंग आईसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बिना डीएसओ के आप बता पाएंगे कि नहीं? बता पाएंगे सर, उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है हमें देने के लिए, कोई छोड़ा ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल क्लियर कर दिया अभी, बाकी
जितनी मेहनत वो कर रहे हैं ना उससे 3-4 गुना ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। फोकस देना काम के ऊपर, फोकस देना पड़ेगा। अगर उसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो जो सीखा होगा वो भूल जाएंगे हम लोग। अगर मैं डेट सेक्शन की बात करूँ, जो कल देव सर के साथ में आपका डेट सेक्शन हुआ है और अभी आपका हाफ शॉट फुल शॉट का क्लास चल रहा है, डेट सेक्शन के बारे में बताइए। और डी सी का बूट सिक्वेंस जो होता है, आपका पावर कैसे बूट सिक्वेंस करता है, किस तरीके से पावर बी पी एच और बक बनाता है सी पी यू की मदद से, क्या क्या होता है, कहाँ से रिलीज होता है वोल्टेज, कब डी सी डी सी आई सी काम करती है, कब पावर काम करता है, कब सी पी यू और कब एम एम सी काम करती है, सब सारी चीज़ें आपको पता चला नहीं पता चला डेट का? तो सर कुछ बताइए डेट सेक्शन के बारे में। के बारे में तो उन्होंने कल बिल्कुल इजी कर दिया। इजी हो गया, बिल्कुल इजी कर दिया। नहीं तो कल हमारी क्लास थी सुबह में, लाइव फोन बने हैं कि नहीं आपके क्लास नहीं में? बने हैं सर, बने हैं। ऐसा तो नहीं है कि बस हवेबाजी में? नहीं 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 नहीं, कल हमें ज्यादा टेंशन इसी की थी कि यार डेट सेंक्शन आज बॉस एक पीजीआई में जाना हमें, इमरजेंसी केस जो होते हैं ना EMMC में, को वो आज क्लियर होने वाले, थोड़ी टेंशन में होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने पहले प्रैक्टिकल थ्योरी करवाई हमें बोर्ड पे दिया, फिर उन्होंने लाइव जो प्रैक्टिकल कराई ना, तो उससे थोड़ा सारी चीजें क्लियर हुई। बिल्कुल क्लियर हुआ सर, वो बहुत इजी जितना उनसे हो सकता था ना, बिल्कुल इजीली तरीके से समझा था। मतलब क्या, मतलब कि आपको ऐसा डाउट लग रहा है क्या कि मतलब काम आपको, मतलब पूरा चीज नहीं मालूम पता नहीं चला आपको? नहीं नहीं सर, बिल्कुल इजीली। अभी वो तो बंदे के अपने माइंड के ऊपर भी होता है ना, समझाने वाला तो समझाएगा ना, कोई कम समझता है कोई ज्यादा। अभी मैं आपको दे दूं, कोई सा भी फोन दे दूं, डेड हो आपके सामने और मैं बोलूं डीसी की रीडिंग से आप बता दो इसमें करना क्या, हार्डवेयर करना है, ईएमएमसी करना है, ट्रेसिंग होगा सर, कर लेंगे यहाँ पे जो आपका हाफ शॉट फुल शॉट का क्लास क्लास चला है पूरा, अभी इसमें प्रैक्टिकली हुआ है या फिर बस खुद से ही करके छोड़ दिए? नहीं नहीं सर, वो तो सामने लाइव हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, 10-12 फोन थे, उनमें से 5-6 फोन जो है बने हैं, बाकी हम लोगों के जो फोन हम लोग अभी पेस्टेड आईसी गए, अभी पेस्टेड आईसी हमारी क्लास नहीं तो उसके बाद तो पेस्टेड आईसी अगर निकालना होता तो अपन निकाल लेते हैं कि नहीं? हाँ, उसको भी रिपेयर कर लेते हैं, जो बच्चे कुछ है वो भी रिपेयर कर लेते हैं, करते कि नहीं करते? तो अभी पेस्टेड क्लास इनकी ईएमएमसी में चलती है और ईएमएमसी में हमारा डुअल डेकर भी इंक्लूड है। तो ओवरऑल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या क्या बोलना चाहेंगे आप देव सर के लिए? देव सर के लिए तो क्या बोलना सर, उनके लिए तो जितने शब्द बोले उतने कम है, नॉलेज बहुत ज्यादा है यार उस बंदे को, इतनी नॉलेज है, जैसे बोलते हैं ना एक साइको बंदा होता है ना, साइको, बिल्कुल साइको यार, उसका फोकस रहता है सिर्फ अपने काम के ऊपर, कोई और वो जब आते हैं ना इतनी एनर्जी लेवल होता है ना उनमें, जैसे यार ये बंदा बना इसी काम के लिए है, इतना ज्यादा उसको होता है ना एनर्जी होती है ना, बंदा यार बस पागल है इस काम के लिए, मैं बस देना है यार, जो मेरे सामने बैठा ना मैंने उसको देना है, जितना चाहे वो इंक्रीज हो, अगर लेना चाहे, लेने वाला हो तो उनसे ले सकता है वो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, इनकी जुबान से आपने सुना। अगर कोई पंजाब से है तो आना चाहे तो क्या बोलेंगे? बेफिक्र होके आ सकते हैं, और बाकी अदर स्टेट से हो तो आए, बिंदास होके आए यार, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आओ बिल्कुल माइंड फ्री होके आओ, काम पे फोकस दो। हाँ बंदा वही आए यहाँ पे जिसको काम सीखना और वो फोकस करेगा यहाँ पे, 14 घंटे मेहनत करने वाले हैं सर, 14 घंटे तो बहुत कम बता दिया आपने, यहाँ पे तो 18-18, 20-20 घंटे भी काम किया हमने, 18-18 घंटे काम किए हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं हमारा एशिया टेलीकॉम फेसबुक पेज और मेरा नाम है फातिमा, मेरे साथ दीपक सर भी हैं। तो हमारे बैच के एक और स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले जानते हैं इनका नाम और ये कहाँ से हैं। हाँ जी बताइए। जी मेरा नाम सोनू, मैं बिहार से हूँ। बिहार के रहने वाले हैं जी सर। ठीक है, तो आप तो बिल्कुल फ्रेशर हो ना, आपकी मुझसे बात हुई थी एडमिशन के पहले, फ्रेशर हो आप? बिल्कुल फ्रेशर था, थोड़ा बहुत नॉर्मली बस दुकान पे बैठता था, थोड़ा बहुत जैक वैक चेंज करना जानता था बस उसे ज़्यादा। देखो थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, इधर आने के लिए छोटी मोटी चीज़ें जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिखाते हैं हम कंपोनेंट टेस्टिंग से, पहली क्लास कंपोनेंट टेस्टिंग से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आपको छोटी मोटी चीज़ें पहले से नहीं आती होगी तो आप क्या इतना, मतलब इतने इतने घंटे यहाँ क्लास ले पाओगे, कहाँ टिक पाओगे? तो जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो तो यहाँ आने के लिए ज़रूरी है। तो अच्छा ये बताओ, एडमिशन के पहले जो भी बातें आपको बताई गई थी वो सब यहाँ सीखने को मिला कि नहीं मिला? वो सब मिला, उससे एक्स्ट्रा मिला मैम। एक्स्ट्रा मिला, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी आपको? दिक्कत हुई थी ना सर। क्या दिक्कत हुई थी बताइए? पटना में था। अच्छा, इनको इनका थोड़ा चोट लग गया था, एक्सीडेंट हो गया था इनका, खैर फिर भी आए हैं ये। अच्छा ठीक है, मतलब कहने का मेरा ये है कि एड्रेस वगैरह आपको सब पहले से बता दिया गया होगा, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, ऐसा तो नहीं कि इधर उधर भटके आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पटना मतलब डायरेक्ट यहाँ का वो मिला, एड्रेस मिला और मेरे को बात कराना पड़ा, वो मतलब पूरा सपोर्ट मिला कि आप कहाँ से आना क्या करना, मैं तो पहली बार सफ़र किया हूँ, वो भी अकेला इतना दूर से, बहुत दूर है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपको यहाँ बुलाना, है ना? जी सर। आने से पहले कुछ कंटेंट भी मैंने आपको दिया होगा कि ये चीज़ें आपको अरेंज करके लेकर के आना, वो सामान वगैरह, ये फ़ोन लाना, वो सर पेन लाना वगैरह वगैरह जो भी हो सारा, वो पहले से मतलब बता दिया जाता है कि ये सब आपको लाना है।
ठीक है, देखो आप यहाँ ट्रेनिंग, थोड़ा सा तेज बोलना ठीक है, आप यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आते हो तो आपके पास जो फॉल्टी सेट है आप वो भी अपने साथ ला सकते हो, तो उससे क्या होगा आप यहाँ पे सेक्शन के हिसाब से उसको रिपेयर भी करोगे, सीखोगे भी, और वो आपका रिपेयर होके आप उसको लेके भी जा सकते हो, तो ये फ़ायदा है। ठीक है, कुछ बातें दीपक सर करेंगे। तो हमारे साथ में है सोनू बिहार से, और आपकी आवाज़ बिहार से आगे जानी चाहिए। ठीक है, तो बताइए सोनू जी, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी सर पावर आईसी निकाला है इसका, थोड़ा सा तेज बोलिए। पावर आईसी निकाला है इसका, पावर आईसी निकाल रहे हैं। आज आपका क्या क्लास था? आज मेरा हाफ शॉट और फुल शॉट। और कल क्या क्लास था? कल डेट सेक्शन। डेट सेक्शन किसके साथ में था आपका? देव सर के साथ। देव सर के साथ में जो आपका डेट सेक्शन हुआ कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया लगा। सीखने को मिला कि नहीं मिला? हाँ सर। आप मोबाइल के फील्ड में कब से हो? सर वो छह महीने साल भर से हो आप अगर मोबाइल के फील्ड में, तो आपने कभी आईसी पे काम किया था? नहीं सर, बस जैक वैक चेंज करना जानता था, कॉम्बो वगैरह थोड़ा बहुत नॉर्मली लगाना जानता था बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कितने का काम कर लेते थे आप? अगर कॉम्बो का काम करते थे, जैक चेंज करते, तो कितने का काम कर लेते थे आप? मतलब मेरा खुद का दुकान नहीं था, दूसरे के किसी और के दुकान पे काम करते थे। पर कितना, मतलब कितना का अर्निंग कर लेते थे पर डे का? पर डे का कितना? 500 रुपया। थोड़ा तेज बोलिए, कोई आपसे जीएसटी नहीं लेने वाला? नहीं नहीं, 500-600 ऐसे ही बस नॉर्मली 500-600 कमा लेते थे। पर अब यहाँ से जाने के बाद ये कितना कमाने वाले हैं, एक रेशियो पूछते हैं इनसे, बताइए। ये तो अभी अंदाजा ही नहीं। एक आईसी का काम करने का कितना लेंगे आप? एक आईसी का तो वहाँ नॉर्मली 800 रुपये। 800 रुपये लेंगे, मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक दिन में अगर एक आईसी पे काम करते हैं तो ये 500 रुपया प्लस 800 रुपया सर। जी सर, इंक्रीज होने वाला है आपका इनकम? हाँ सर। तो चलिए यहाँ पे मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है डेट सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, सारे सेक्शन बहुत हार्ड होते हैं, पर अभी इनके नज़र से पूछते हैं, क्योंकि देखिए 6 महीने से ही काम कर रहे थे ये। जी सर। तो अभी डेट सेक्शन आपका देखने का नजरिया, और डेट सेक्शन हार्ड लगेगा कि लो लगेगा, कैसा लगेगा? सर ये क्लास नहीं हुई थी जब से मुझे लग रहा था कि हार्ड होगा, आज सुबह में आया तो कैसा होगा, फुल शॉट हाफ शॉट, या बहुत मतलब डाउट था, जब क्लास आया तो पूरा डाउट क्लियर हो गया। डाउट क्लियर हो गया। यस सर। तो डेट सेक्शन जो कल सर के साथ में हुआ था, डीसी एम्पियर मशीन जो होता है आपका, डीसी मशीन या फिर आपका चार्जिंग वाला होता है, स्कीमेटिक पोर्ट जो होता है, आप उससे देख के बता पाएंगे कि किस में सॉफ्टवेयर का काम करना है, या फिर हार्डवेयर का काम करना है, या फिर ईएमएमसी का काम करना है? यस सर, ये डीसी मशीन से मुझे नॉलेज दिया गया। बोलिए। ये डीसी मशीन से मुझे मतलब बताया गया, इस तरह से नॉलेज दिया गया कि ये बता सकते हैं आप, पता कर सकते हैं इसका सीपीयू खराब है, इसका पावर खराब है, इससे कहाँ शॉट मिलेगा, मतलब वो चीज़ पूरा इसके में नॉलेज दिया। जो नॉलेज आपको यहाँ पे आके मिला है, आप किसी ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं या फिर किसी और अदर इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, तो ये नॉलेज मिलता क्या आपको? नहीं सर, ऐसा है कि मैं जब यहाँ ज्वाइनिंग करने वाला था तो इससे पहले भी मैं थोड़ा भटक रहा था, और मैंने यहाँ भी मैम को भी बताया कि मैम ऐसा ऐसा है कहीं कोई अदर इंस्टीट्यूट में, वो भी मेरे से मतलब थोड़ा नज़दीक ही था मेरे से, तो वहाँ 30,000 रुपये बता रहे, मतलब नॉर्मली बता रहे थे, तो यहाँ थोड़ा कुछ ज़्यादा, तो मतलब ब्राउन ब्राउन के बाद मैम ने कहा कि देखो ऐसा है पैसे की मायने नहीं रखता, बस काम का मायने रखता है, कि मतलब ब्राउन ब्राउन की बात होती है। देखिए सही बात है, अगर देखिए काम तो 15,000 में भी लोग सिखाते हैं, 5,000 में भी सिखाते हैं, तो 15,000 और 5,000 में डिफरेंस तो होता ही होता है ना? Yes, होता है कि नहीं होता है? स्किल की बात होती है गाइज, आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते होंगे आप, तो आपको वीडियो देख के ही पता चल जाता होगा क्या नॉलेज है सामने के वाले में, और अभी ये आके काम सीख रहे हैं, अगर ये यहाँ ना आके किसी अदर इंस्टीट्यूट में चले जाते तो क्या ये काम सीख पाते क्या? नहीं सर, वो दो दिन में आप सीपीयू रिवॉल्व करना सीख पाते क्या? नहीं सर, मैं तो मैम को बोला कि सीपीयू चालू, फोन से चालू करते क्या? नहीं कर पाते। कितनी बार चालू किए थे आप सीपीयू निकाल के? सर दो तीन बार किए। तीन बार किए थे यहाँ पे, तीन बार ये किए थे। अभी मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई अगर मैं आपको बोल दूँ यहाँ पे लाइट सेक्शन समझा दूँ तो समझा पाओगे? बिल्कुल सर, एक्सप्लेन कर पाऊंगा। छह महीने से ही काम कर रहे हैं, और इनको क्लास यहाँ पे लिए 15 दिन हुआ, ये कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं इनको बोल दूं अभी कि बोर्ड पे जाके हमको लाइट सेक्शन समझा दो, यहाँ पे सारे बच्चों को सामने समझाएंगे, ये समझाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। आपने कौन कौन सा सेक्शन यहाँ पे बोर्ड पे समझाया बच्चों को? सर मैं हम लोग का ऐसा है कि हर दिन लाइव क्लास चलती है, कोई भी मतलब सेक्शन ग्राफिक्स ऐसी एट मतलब D8 वो जो होते हैं ग्राफिक्स ऐसी लाइट ऐसी का, वो मतलब पूरा एक्सप्लेन वो लोग हम लोग खुद से डायग्राम बना के उसका एक्सप्लेन किया जाता है, सारे बंदे से करवाते हैं। तो ये एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट वाला नॉलेज नहीं, यहाँ पे टीचर वाला नॉलेज दिया जाता है, और अगर आपको भी एक टीचर लेवल का नॉलेज चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एशिया टेलीकॉम। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, अगर आप फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं तो आपको अबाउट सेक्शन में जाके आपको नंबर मिल जाएगा। तो देखते रहिए लाइव हमें, और यूट्यूब पे फॉलो करते रहिए। थैंक यू।
थैंक यू। मैं उद्दीपक एशिया टेलीकॉम टीम की तरफ से, और आप देख रहे हैं फेसबुक पे लाइव, और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल सकता है। तो हमारे साथ में है एक स्टूडेंट और हमारे साथ में है फातिमा मैडम, और इनसे बात करते हैं फातिमा मैडम से कि ये बच्चों को बुलाती हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, कैसे बुलाती हैं बच्चों को, अगर ये कोई बच्चा आना चाहता है तो किस तरीके से इंक्वायरीज होती हैं, सारी चीज़ें मैडम बताएंगी आपको। बताइए मैडम। देखिए, अगर आप इसके पहले भी बहुत से स्टूडेंट से बात करते तो ये रहता है कि मैडम हमारा इससे पहले कहीं निकलना नहीं हुआ, हम पहली बार आ रहे हैं, अनजान स्टेट पे आ रहे हैं, अनजान जगह पे आ रहे हैं। तो देखो, आने से पहले ही जब मैं इंक्वायरी देती हूँ, आपका एडमिशन डन होता है, आपको सारी चीज़ें आपके पास रहती है, आपको क्या लेकर के आना है, आपको कब आना है, आपको कहाँ आना है, ये सारी जानकारी आपके पास रहेगी। तो आज इधर नहीं निकलोगे तो कहीं और के लिए निकलोगे, हर एक इंसान का कहीं ना कहीं पहली बार ही होता है। तो बिना डरे आप आओ, यहाँ ज्वाइन करो। आपको आते ही साथ फीस भी नहीं देनी है यहाँ के, आपको पहले दिन जस्ट आके फीस देना है। आपको यहाँ आप डेली की लाइफ भी देख रहे हो, साथ ही साथ आपको जो काउंसलिंग क्लास है वो मिलेगी, पहली क्लास आपकी देव सर लेंगे, उसके बाद आपको फीस देना है। और अगर वहाँ से नहीं जमता है तो आप यहाँ से रिटर्न हो सकते हो, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आकर के सीधा यहाँ क्लास में ही बैठना, ऐसा नहीं रहेगा यहाँ पर। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट हमारी बैच के, तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले? नाम रोहित नाग है, वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल से हैं आप, ठीक है। तो देखिए, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं, दूर पास देखते हैं कि मैडम दूर है, हम नहीं आ पाएंगे, तो नॉलेज देखो कहाँ बेहतर मिल रहा है। आपको इंडिया से इसके लिए बाहर भी निकलना पड़े तो वहाँ जाकर आप ट्रेनिंग लो, क्योंकि नॉलेज मैटर करता है। क्योंकि आप यहाँ से जाने के बाद, तो अगर आप कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में पैसा लगाते हो, देखो वो आपका है, आप किसको चुनते हो। हम मैं नहीं कहती आप एशिया टेलीकॉम ही आओ, पर अगर गलत जगह चले जाओगे तो आपका पैसा भी खराब होगा, आपका टाइम भी खराब होगा। तो थोड़ा देख समझ के सही जगह ज्वाइन करो, क्योंकि जो ब्रांडेड चीज़ें होती है ना वो महंगी ही होती हैं। तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। एडमिशन के पहले जो चीज़ें आपको बताई गई थी वो यहाँ पे आने के बाद मिली कि नहीं मिली? मिले मैम। मिला है? मिला है। ठीक है, कंटेंट वगैरह आपके पास पहले से था, क्या क्या लेकर के आना है ये सारी चीज़? कंटेंट पहले से था। ठीक है, और जितने भी सेक्शन यहाँ हुए सबका प्रैक्टिकल आपने ही डन किया है? मैंने ही डन किया। ठीक है, तीसरे दिन आपने ऑन बोर्ड में 4G पावर IC डन किया था? यस, डन किया वो। इसके पहले कितने टाइम से आप काम कर रहे हो? मिनिमम 5 साल से। 5 साल से काम कर रहे हो। अब उस 5 साल का एक्सपीरियंस बताओ, और यहाँ आपने अभी सिर्फ हमारा हार्डवेयर का सेक्शन क्लियर हुआ है और सॉफ्टवेयर की एक क्लास हुई है, तो उसका बताओ आप, कंपेयर करो अपना 5 साल से और 15 दिन। तो इतना होता ही नहीं था, अब हो जाएगा। अच्छा, अब हो जाएगा, मतलब सारे सेक्शन आपको अच्छे से क्लियर हुए? क्लियर हुए। अच्छा, देखिए बस बंगाल से हो सकता है थोड़ा सा हिंदी बोलने में इनको प्रॉब्लम हो रही हो, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ बातें दीपक सर करेंगे। सबसे पहले मैं इनसे ये जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित हैं वेस्ट बंगाल से, और यहाँ पे जो आप स्टूडेंट को देखते हैं, कोई सा भी स्टूडेंट हो हमारे साथ, अभी तो रोहित जी हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं आप उनको डे वन से देख रहे हैं और डे लास्ट, मतलब इनका एक महीने का कोर्स है और लास्ट डे तक आप इनको देखेंगे, और ये जो चेहरे पे इनके स्माइल है, ये स्माइल पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक देखेंगे। सबसे पहले इनसे ये जानना चाहूँगा कि ये क्या बात है, मतलब काम नहीं सीख रहे हो क्या? सीख रहे हो। सीख रहे हो? यस। चलिए ठीक है, इनसे ये भी पूछते हैं, हिंदी बोलने में दिक्कत आता है? दिक्कत आता है। दिक्कत आता है भाई, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम इनसे, क्योंकि हिंदी बोलने में और इनको समझने में भी हो सकता है दिक्कत आती हो। कोई दिक्कत नहीं, हिंदी बोलने में समझने में दिक्कत नहीं आती है, बोलने में आती है। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि जो डेट सेक्शन हुआ था देव सर के साथ में कल, कैसा हुआ? अच्छा ही हुआ। थोड़ा सा तेज बोलिए। अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ। तो डेट सेक्शन अभी आप डीसी मशीन देख के आप बता पाएंगे? बता पाऊंगा। हार्डवेयर करना, ईएमसी करना, क्या करना? बता पाऊंगा सर। है? बता पाऊंगा। अभी आपका बग वोल्टेज फ्लक्चुएट हो तो कर सकते हो आप? कर सकते हो मैं। आप बता सकते हो कि पावर बदलना है किसी पे? यस सर। सच बताइए, झूठ मत बोलिए। सच बता रहे हो। कितना दिन हो गया मोबाइल की फील्ड में? आप मोबाइल फील्ड में मिनिमम 5 साल हो गया। 5 साल में कभी आपने आईसी चेंज किया था? चेंज किया था, बट होता नहीं था। होता नहीं था। अब मैं बोलूँ कोई सभी आईसी चेंज करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए, तो आप कर पाओगे? कर पाऊंगा मैं। सच बताइए। वन टाइम में कर पाऊंगा मैं। वन टाइम में। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, चौथे दिनों में इन्होंने चालू फोन से 4G CPU निकाल के लगाया था और फोन को चालू भी किया था। कितनी बार किए थे पूछते हैं? मिनिमम 2 बार किया था। 2 बार किए थे। और यहाँ पे पावर, तीसरे दिन में पावर इन्होंने निकाल के लगाया था, चालू हुआ था फोन? चालू हुआ था। कितनी बार में चालू हो गया था? एक बार में चालू हुआ। एक बार में चालू हुआ। ये है कॉन्फिडेंस लेवल। ये जब पहले दिन आते हैं तो हम इनसे यूनिवर्सल में नहीं, हम इनको पर्टिकुलर सेम स्टेंसिल में EMMC रिवॉल्व करवाते हैं, और दूसरे दिन में हम इनसे
पावर रिवॉल्व करवाते हैं और उसी दिन में हम इनसे सीपीयू भी रिवॉल्व करवाते हैं। यूनिवर्सल स्टेंसिल से क्या पर्टिकुलर स्टेंसिल से आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से, यूनिवर्सल से रिवॉल्व किया था। तो फोन को तीसरे दिन में चालू कर लिया था, चौथे दिन में सीपीयू चालू कर लिया था। अभी मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि जो भी सेक्शन देव सर के साथ में हुआ है कैसा हुआ, आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया। प्रैक्टिकली सारी चीजें मिली कि नहीं? मिली सर। मिली है? यस सर। चलिए ओवरऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, वेस्ट बंगाल से अगर कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल आ सकते हैं। आ सकता है? पैसा वसूल है? पैसा वसूल है। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहोगे आप देव सर के लिए? देव सर के थैंक यू बोलना चाहोगे? थैंक यू बोलोगे बस, और तो कुछ बोलने की चीजें नहीं है सर। नहीं है, क्योंकि कंपेयर नहीं करना चाहते हैं ये भी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो आप देख रहे हैं हमें लाइव हमारे एशिया टेलीकॉम फेसबुक पेज पर, और मेरा नाम है फातिमा, मेरे साथ दीपक सर हैं। तो देखो, आप यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, आप जितने भी टीचर्स देखते हो चाहे यूट्यूब में हो चाहे फेसबुक में हो, सारे टीचर्स जो हैं क्लास लेते हैं, सबका अलग अलग सेक्शन है। जिसमें मैं आपको बता दूँ, जो देव सर हैं वो हार्डवेयर का सेक्शन लेते हैं, एक दो सेक्शन दुर्गेश सर भी लेते हैं, सॉफ्टवेयर का सेक्शन दुर्गेश सर का होता है, और ईएमसी का जो सेक्शन है, ईएमसी की जो क्लास है वो मिलन सर की होती है। इसके बीच जितना भी प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में लगभग सारे ही टीचर्स होते हैं, जिसमें दुर्गेश सर हैं, दीपक सर हैं, एमडी सर हैं, लखन सर हैं, सारे टीचर्स होते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या है, ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत होती है, सब पे ध्यान देना होता है। तो चलिए हमारे साथ हमारे ही बैच के एक और स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले तो जानते हैं इनका नाम और ये कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम है मिंटू, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। क्या नाम है आपका? मिंटू। मिंटू जी वेस्ट बंगाल से। तो ये बताओ, वेस्ट बंगाल से यहाँ एमपी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा ठीक है। और आपको एडमिशन से पहले जो भी चीज़ें आपको बताई गई थी कि आप ये चीज़ें सीखोगे, इतना घंटे आपका प्रैक्टिकल होगा, इस दिन आपकी ये सेक्शन होगा, ये क्लास होगी, तो वैसा ही है कि नहीं है सब? उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा है टाइम, उससे ज़्यादा मिल रहा है, उससे ज़्यादा आपको टाइम मिल रहा है। हाँ, एक एक बार मतलब जिस दिन ये क्लास रहता है ना, हाँ, तो एक एक मतलब जिससे शुरू करते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं सर, देव सर। यहाँ आप लोग पैरलाइन से पूरा खत्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोग जो भी सेक्शन लोगे डेली का, उसका प्रैक्टिकल आपको ही करना। इसको करने में आपको भले ही रात का 12 बज जाए, 1 बज जाए, आप हमको लाइव देखोगे, हमारी क्लासेस जो है वो खुली हैं, एशिया टेलीकॉम है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो कुछ बातें दीपक सर करेंगे। हाँ, हमारे साथ में एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मिंटू। मिंटू जी कहाँ से हो आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से हैं। अभी आपका कल क्या क्लास था? कल डेट सेक्शन था। डेट सेक्शन था, और आज क्या क्लास हुआ है आपका? हाफ शॉट और फुल शॉट। हाफ शॉट फुल शॉट। डेट सेक्शन में कोई ऐसा फॉल्ट है जो आपके सामने डेड आए और उसको डायग्नोस ना कर पाए? एकदम कर लेंगे सर। आपको डीसी का बूट सिक्वेंस पता है? एक एक मतलब रीडिंग पता है। रीडिंग पता है। और अभी आप क्या कर रहे हैं? सर शॉट ही नहीं कर रहे हैं, शॉट ही निकाल भी सकते हैं। आज जो हाफ शॉट और फुल शॉट का क्लास था, लाइव प्रैक्टिकल फोन रिपेयर हुए कि नहीं? नहीं नहीं सर, कर भी रहे हैं अभी। अभी हुआ है कि नहीं प्रैक्टिकल? हाँ, वो प्रैक्टिकल तो सर हुआ। जो आपके साथ थ्योरी चली है कल देव सर के साथ में, कोई ऐसा फोन आपके सामने आने वाला है क्या इन फ्यूचर जो अपडेट रिपेयर ना कर पाए, या फिर आप उसको समझ ना पाए कहाँ से फॉल्ट है इसका? नहीं नहीं सर, एक बार में समझ जाएंगे। एक बार में समझ जाएंगे सर। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है अभी 15 दिन का ही क्लास हुआ है, स्किल पे भी ये डे 1 से काम कर रहे हैं, और इनका सारा सेक्शन देव सर के साथ में हो चुका है। लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, जो भी सेक्शन होते हैं फोन में, सारे सेक्शन हो चुके हैं। अभी इनका कल डेट का सेक्शन था, और डेट का सेक्शन इन्होंने अटेंड किया है, और इनका आज हाफ शॉट और फुल शॉट, और कल है माइनर शॉट। कल माइनर शॉट है सर। तो इनका 3 दिन का डेट का सेक्शन होता है। अभी डे 1 था कल, और डे 2 है आज, और डे 3 होगा इनका कल। तो ओवरऑल मैं पूछना चाहूंगा, कैसा लगा क्लास? सर बहुत बढ़िया। जो 3-4 साल से सर काम कर रहे थे, मतलब इतना गंदा काम कर रहे थे, आज मालूम पड़ रहा है। मालूम चल गया सर। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे अगर आपको देखकर कोई एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहता है तो? आग बंद करके आ सकता है। पैसा वसूल है? यस सर। आपका हुआ वहाँ लाइव में, बिल्कुल बताइए कि आपका पैसा वसूल हुआ है? पैसा वसूल हुआ सर पूरा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा एशिया टेलीकॉम फेसबुक पेज, और मेरा नाम है फातिमा, मेरे साथ आज दीपक सर हैं। तो हमारी लगभग हार्डवेयर का जो क्लास है ये एंड हो चुकी है, पर इनका प्रैक्टिकल अभी भी चल रहा है, जैसा कि आप अभी सारे लाइव में आपने देखा होगा। और जस्ट अभी जैसे ही यहाँ ख़त्म होगा इनका प्रैक्टिकल, इनका रिव्यू ख़त्म होगा, सॉफ्टवेयर की क्लास इनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तक की जितनी भी क्लास हुई है, स्टूडेंट से कुछ बातें करते हैं कि उनको समझ आया कि नहीं आया सारी चीज़ें। तो हमारे साथ हमारी बैच के एक स्टूडेंट है, तो सबसे पहले तो आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले? उमाकांत है, उड़ीसा से। तेज बोलिए उमाकांत जी। उमाकांत है, उड़ीसा से। तेज निकालिए, बुलंद होना चाहिए। उड़ीसा से आए हैं। अच्छा ठीक है, एडमिशन से पहले जो भी चीजें आपको बताई गई थी वो सब यहाँ सीखने को मिली कि नहीं मिली? मिल रहा है। मिल रहा है। डेली कितना घंटा क्लास होती है? 12 घंटा से ऊपर। थ्योरी ज्यादा होता है कि प्रैक्टिकल ज्यादा होता है? प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होता है ना, मतलब डेली आप जो भी सीखोगे उसका प्रैक्टिकल आपको करके ही हॉस्टल जाना है। हाँ, प्रैक्टिकल करने के बाद जाते हैं। और हॉस्टल में जाने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है, वहाँ भी इनको टास्क दिया जाता है कि इसके बाद इनको क्या करना है ना? ठीक है, तो अभी तक जितने भी सेक्शन हुए हैं, अभी तो हमारा सिर्फ हार्डवेयर हुआ है और जो सॉफ्टवेयर की एक क्लास है ये हुई है, तो ये सारी चीजें आपको समझ आई है कि नहीं आई है? समझ में आ गया। गलत जगह तो नहीं आ गए हो? नहीं, गलत जगह नहीं आए। नहीं आए हो? सेटिस्फाई हो आप?
हाँ सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, कुछ बातें दीपक सर भी करेंगे। सो हम इनसे पूछते हैं, उमाकांत जी से, और इनके चेहरे की स्माइल देखिए आप, ऐसे मुस्कुराते रहते हैं, डे वन से मुस्कुराते हैं, आज भी मुस्कुरा रहे हैं, इनकी स्माइल फेक है क्या? नहीं सर, काम सीखने को मिल रहा है? मिल रहा है सर। जाओगे वापस? काम खत्म होने के बाद जाएंगे। काम खत्म होने के बाद जाएंगे। देखिए मैं इनसे ये बात करना चाहूँगा कि डेट सेक्शन का क्लास हुआ इनका कल देव सर के साथ में, और आज इनका हाफ शॉट और फुल शॉट का क्लास था, और कल इनका माइनर शॉट का क्लास है। तो यहाँ पे मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, जो भी सेक्शन इनका देव सर के साथ में हुआ है उस सेक्शन के बारे में पूछना चाहूँगा, किसी भी तरीके से कोई भी डाउट अभी तक इनको किसी भी सेक्शन में हो तो बताइए। नहीं, डाउट कुछ नहीं हुआ है। जो भी सेक्शन हुआ है वो सारे सेक्शन प्रैक्टिकल में मिला है कि नहीं? मिल गया सर। मिला है? हाँ हाँ। तो यहाँ पे डेट सेक्शन की बात कर लेते हैं। डेट सेक्शन आप डीसी मशीन देख के, आप बूट सीक्वेंस देख के आप बता सकते हो? हाँ, हो जाएगा। आपको हार्डवेयर करना है कि सॉफ्टवेयर करना है, या फिर ईएमएमसी का प्रोग्रामिंग करना है? हाँ, सब मालूम है। मालूम है। और आज जो हाफ शॉट और फुल शॉट का क्लास हुआ है उसके बारे में कैसा लगा आपको, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा सर, आपने तो बताया माइनर से। यहाँ पे कोई सारी चीजें यहाँ पे जो सर के थ्रू ही है, और देखिए जो सर का ही एक तरीका है जो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल उमाकांत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई किसी भी सेक्शन में फंस रहा हो तो उसको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं इंस्टीट्यूट? हाँ, ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन करना चाहिए? तो ज्वाइन करना चाहिए भाई। अगर कोई 10 साल से कर रहा हो तो उसको शर्माना चाहिए क्या? मैं तो 11 साल से किया हूँ। 11 साल से कर रहे हैं, और ये देखिए बिना शर्म के काम सीखने के लिए आए। अगर आप भी 10 साल से कर रहे हैं और हमें फेसबुक पे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं तो आप भी ज्वाइन करिए। बिल्कुल शर्म मत करिए काम सीखने में, क्योंकि देखिए नॉलेज आपके पास होगा तो वो आपके लिए होगा, आप ही अपना इनकम इंक्रीज करेंगे। तो ओवरऑल उमाकांत जी से पूछते हैं कि क्या रिकमेंड करेंगे अगर इनको देख के कोई आना चाहे तो? वैसे कह सकते हैं जो कोई भी आना चाहता है तो आ जाना चाहिए। आ जाए? हाँ। थोड़ा सा इनको बोलने में दिक्कत है, थोड़ा बोल नहीं पाते, इनकी आवाज़ ही ऐसी स्लो है, बट इनके मन में कोई मलाल नहीं है। कोई तकलीफ है क्या आप? नहीं कोई। बोलिए अगर आपको तकलीफ हो तो फीस रिटर्न वापस देते हैं। नहीं नहीं, लाइव में है हम, बिल्कुल लाइव में है, किसी भी तरीके से कोई झूठ झपाट नहीं बोले। नहीं सर, नहीं सर, फीस क्यों चाहिए, काम सीखने आया। बोलते ही ऐसे हैं आप, बिल्कुल दिल पे मत लीजिए इनकी बात को, है दिल पे ले लें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आ सकते हैं अगर कोई आपको देख के आना चाहे? वैसे कह सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप देव सर के लिए? देव साहब तो एक नंबर है, वो एक नंबर है। हाँ, वो भगवान है, मेरे लिए भगवान है, वो जिसको लिए जो। चलिए ठीक है। और यहाँ की टीम मेंबर्स कैसे हैं? सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं? हाँ। पैसा एमडी सर तो सबसे अच्छे हैं। चलिए ठीक है, पैसा वसूल है? वसूल है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ सेक्शन के बारे में कुछ भी मत पूछिए, आप ये पूछ लीजिए कि आप यहाँ पे आके सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं हमें लाइव हमारे एशिया टेलीकॉम फेसबुक पेज पर, और मेरा नाम है फातिमा, मेरे साथ आज दीपक सर हैं। तो चलिए हमारी बैच के एक और स्टूडेंट से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले? जी मेरा नाम महेश है, मैं नागपुर महाराष्ट्र का हूँ। महेश जी नागपुर से हैं, तो अभी 15 दिन के एक्सपीरियंस पे आप ये बताओ कि ये ऑनलाइन क्लास संभव है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन सीखना संभव है ये? नहीं मैम, ये ऑनलाइन हो ही नहीं सकता। ठीक है, एडमिशन से पहले जितनी भी आपको जानकारी दी गई थी वो सारी चीजें यहाँ मिली कि नहीं मिली? जी पूरी मिली यहाँ पे। कोई भी झूठ तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ भी झूठ नहीं है, डायरेक्ट आगे देख सकता है कोई भी अगर ऐसा लगता है तो। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा सिर्फ हार्डवेयर का ही सेक्शन हुआ है और सॉफ्टवेयर की एक क्लास हुई है, तो उतना ही मैं पूछूंगी, उससे आप सेटिस्फाई हो कि नहीं हो? हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई है मैम। ठीक है, कुछ बातें दीपक सर करेंगे। तो हमारे साथ में एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी है, और महेश जी कहाँ से हो आप? सर मैं नागपुर से हूँ। नागपुर से है, महाराष्ट्र से। तो चलिए इनसे मैं बात करूँ कि डे वन से लेकर अभी तक इनका 14-15 दिन का क्लास हो चुका है, जिसमें हर एक सेक्शन इंक्लूड है, टच सेक्शन, वाईफाई सेक्शन, एलडीओ सेक्शन, बात करें कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इसी में सारी चीज़ें इंक्लूड है। अभी इनका सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इनका लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, डेट सेक्शन भी हो चुका है। तो इनसे पूछते हैं डेट सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन, जो कि लोगों को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो इनको क्या लगता है ये पूछते हैं, बताइए। जी मुझे अभी तो यहाँ पे आने के बाद तो नहीं लगता कुछ हार्ड है करके, पर पहले लगता था सर। अभी मैं आपको कोई से भी फ़ोन का एक स्कीमेटिक डायग्राम खोल के दे दूँ, लेआउट खोल के दे दूँ, तो आप बता पाओगे लेआउट डायग्राम चला पाओगे कि नहीं? जी जी बिल्कुल पूरा चला पाएंगे। चला पाएंगे। अब मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि जो डेट सेक्शन देखने का नज़रिया है, जिस नज़रिए से हम देखते हैं, उस नज़रिए से ये देख पा रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं सर। अभी आप डीसी का बूट सिक्वेंस देख के आप बता पाओगे कि मतलब क्या दिक्कत है, सॉफ्टवेयर करना है, हार्डवेयर करना है, या फिर आपको ईएमएमसी चेंज करना है, सारी चीज़ें आप बता पाओगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल बता पाएंगे। बता पाएंगे सर। आपका बीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किस तरीके से आपको बीपीएच चेक करना है, किस तरीके से बग चेक करना है? जी जी सारा सारा कुछ, फ्लक्चुएशन सारा सारा सब बता पाएंगे। पता हो गया अभी सारी चीजें पता है आपको? जी जी। ओवरऑल मैं ये
जानना चाहता हूँ कि डेट सेक्शन देखने का, नेटवर्क सेक्शन देखने का या फिर बोर्ड को देखने का नजरिया बदला कि नहीं? बदला, पूरा बदला। बदल गया? बदल गया सर। चलिए ठीक है, ओवरऑल मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, देव सर के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आप देव सर के लिए, देव सर तो भगवान है हमारे, मोबाइल के फील्ड के पूरे भगवान है देव सर। बिल्कुल भगवान है, सच बात है, गुरु तो भगवान ही होते हैं। जी जी। और भगवान का कंपेयर तो कर भी नहीं सकते, नहीं कर सकते। ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे, अगर कोई आपको देख के यहाँ पर आना चाहे, काम सीखना चाहे, आपके ही जैसे हर तीसरे दिन में वो पावर ऐसे निकाल के या चौथे दिन में सीपीयू निकाल के फ़ोन को चालू करना चाहे, तो क्या बोलेंगे उसके लिए? मैं बोलूँगा अगर इस लाइन में जो भी काम करता है उसका नाम कमाना है उसको, तो जरूर आए यहाँ पे। आ सकता है? जी। पैसा वसूल है? पैसा वसूल आपका हो गया? बिल्कुल। चलिए ठीक है, हो गया। हाँ हो गया सही। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एसिया टेलीकॉम टीम की तरफ से। और हमारे साथ हैं फातिमा मैडम, और मैं आपसे आज ये बताने वाला हूँ कि इनकी क्लास जो हुई है कल देव सर के साथ में, डेट सेक्शन हुआ है और आज इनकी हाफ शॉट और फुल शॉट की क्लास चल रही थी। और आपको ये भी बता दें कि इनका सारा सेक्शन हार्डवेयर का कंप्लीट हो चुका है और MOLED का सेक्शन इनका रह गया है जो हमारा 22 तारीख या 23 तारीख को होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनसे ये जानना है हमको आज की डेट सेक्शन देखने का जो नज़रिया है, जिस नज़रिए से हम देखते हैं, यहाँ के टीचर्स देखते हैं, अभी इनका नज़रिया बदला नहीं, क्योंकि देखिए हम जिस नज़रिए से बोर्ड को देखते हैं, जिस नज़रिए से हम फॉल्ट को देखते हैं, उसी नज़रिए से हमारा पूरा वो होता है कि हम बच्चों को भी उसी नज़रिए से बताएं और इनको दिखाएं अपने नज़र से कि इस तरीके से हर सेक्शन को देखते हैं, रिपेयर करने का तरीका बताते हैं। इनसे पूछते हैं डेट सेक्शन देखने का नज़रिया बदला कि नहीं बदला, लेकिन उसके पहले हम मैडम से बात करना चाहेंगे कि मैडम अगर इनको बुलाती हैं तो इन बच्चों के दिमाग में क्या डाउट्स होते हैं, क्या डाउट्स नहीं होते, क्या सवाल होते हैं, मैडम का बताने का क्या तरीका होता है कि किस तरीके से, किस भरोसे पर ये स्टूडेंट अपना घर दुकान सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ पर आते हैं? देखिए सबसे पहले तो कोर्स दो होते हैं, एक हमारा कंप्लीट कोर्स जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर EMMC जो हमारा कंपोनेंट से लेकर एंड्रॉयड लेवल में जितना भी अपडेट आ चुका है ये सारा कुछ इसी के अंदर रहता है। दूसरा हमारा EMMC कोर्स है। तो देखिए अधिकतर स्टूडेंट ये होते हैं कि मैडम हमको सिर्फ EMMC सीखना, तो जो काउंसलिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है कि ये पूछना कि एक्चुअल उनको कौन सा काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर मैं उनका EMMC सुन के सिर्फ मैं उनको EMMC में अगर एडमिशन दिलवा दूंगी तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत जो है वो हार्डवेयर से रिलेटेड होती है, बेस से प्रॉब्लम होती है। तो हमारे साथ हमारी बैच के एक और स्टूडेंट है, तो सबसे पहले पूछते हैं इनका नाम और ये कहाँ के रहने वाले, बताइए। मेरा नाम गणपति है, उड़ीसा से। गणपति जी उड़ीसा से, जबलपुर सिटी मध्य प्रदेश। एशिया टेलीकॉम आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं ऐसे कुछ दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अभी जितनी भी क्लास चल रही है इससे खुश हो कि नहीं हो? बहुत खुश हूँ। खुश हो जी? सारे जितने भी सेक्शन है उन सब का प्रैक्टिकल आप ही कर रहे हो? जी सर। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है जो दीपक सर करेंगे? हाँ, तो चलिए इनसे पूछ लेते हैं कि डेट सेक्शन जो देखने का नज़रिया है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि इनसे पूछेंगे, हमारा लाइव और वीडियो आने का रीज़न यही है कि हम कोई सा भी सेक्शन इनको पढ़ाते हैं तो उसका फीडबैक लेते हैं कि इनको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हम तो बता दिए लेकिन इनसे भी जानना होता है कि इनको समझ में आया कि नहीं, जो थ्योरी इनकी हुई है वो प्रैक्टिकल में इनको मिला है कि नहीं मिला, ये सब सारी चीज़ें जानना है इनसे। चलिए इनसे पूछते हैं डेट सेक्शन अभी देखने का नज़रिया कैसा है? पूरा नज़रा बदल चुका है अभी। थोड़ा सा तेज बोलिए। पूरा बदल चुका है अभी। बदल चुका है नज़रिया। तो अभी आप DC मशीन देख के, देखिए कंसेप्ट हमारा यही होता है कि एक स्मार्ट तरीके से आपको डेट सेक्शन बताएं, आपको बताया भी गया हर एक सेक्शन जो है आपका वो आपको स्मार्ट तरीके से ही बताया गया है। तो अभी आपका देखने का नजरिया स्मार्ट हुआ कि नहीं हुआ? पूरा स्मार्ट हो गया है। स्मार्ट हो गया है। आप DC मशीन से देख के आप बता दें, डायग्नोस कर लोगे कि इसमें क्या करना है, हार्डवेयर करना है, सॉफ्टवेयर करना है या फिर प्रोग्रामिंग करना है? जी बता पाओगे आप? आराम से बता पाओगे। और अभी मैं बात करूं कि स्कीमेटिक पोर्ट जो होता है चार्जिंग पोर्ट, उसमें आप देख के बता पाओगे कि इसमें क्या मतलब हार्डवेयर में करना है काम की सॉफ्टवेयर में काम करना है? जी बोल सकता हूँ। बोल सकते हैं आप। अभी मैं बात करूं आपसे कि डायग्राम, देखिए डायग्राम पढ़ना लोगों को लगता है बहुत हार्ड है, नेटवर्क सेक्शन हार्ड लगता है, डायग्राम पढ़ना हार्ड लगता है इनको, डेट सेक्शन हार्ड लगता है। अब मैं यही चीज़ें इनसे पूछूंगा कि इनको क्या हार्ड लगता है, अब क्या लगता है? पूरा आसान लग रहा है। पहले कोई ऐसा सेक्शन जो हो मोबाइल में, टच सेक्शन हो, ग्राफिक सेक्शन हो, लाइट सेक्शन हो, या फिर मान लीजिए आप कोई सा भी सेक्शन हो, रिंगर सेक्शन हो, कोई सा भी सेक्शन आपको, ऑडियो सेक्शन की मैं बात करूँ, तो कोई सा सेक्शन आपको लगा हार्ड है? नहीं सर, बहुत सरल है। सरल हो गया, इजी हो गया। एक प्रॉपर वे मिल गया, एक रास्ता मिल गया कि नहीं आपको, कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है? जी पता है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे देखा आपने इनका फीडबैक, और इनसे पूछ लेते हैं कि क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए, जो कि डेट सेक्शन इनका हुआ है देव सर के साथ में, बहुत बहुत स्मार्ट तरीके से हुआ है। इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा? थैंक यू सर बोलना चाहूँगा। सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे, मतलब आपको अच्छा लगा? बहुत 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 अच्छा लगा। बहुत। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।
मैं हूँ दीपक एशिया टेलीकॉम टीम से और मेरे साथ में है फातिमा मैडम और हमारे साथ में है कुछ स्टूडेंट। इनसे फीडबैक लेना है क्योंकि इनका डेट सेक्शन हो चुका है और हार्डवेयर सेक्शन इनका कंप्लीट भी हो चुका है। इनसे फीडबैक ये लेना है कि अभी तक के क्लास में इनको कोई ऐसा सेक्शन बचा है क्या जो इनको समझ में नहीं आया है, और ये नेपाल से हैं खास करके, तो इनसे ये भी जानना है कि नेपाल से इंडिया आने में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत इनको आई है कि नहीं आई है। अगर इन्होंने यहाँ पर इंक्वायरी ली है और इन्होंने एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया है तो इनकी बात कैसे हुई थी, यहाँ पर आने का इंस्ट्रक्शन कैसे इनको पता चला कि यहाँ पर इंडिया में आना किस तरीके से है, ये सब सारी चीज़ें मैडम बताएंगी। बताइए मैडम, कैसे इनसे बात हुई थी, आपसे बात हुई थी कि सर से बात हुई थी? देखिए, इनको हमने व्हाट्सएप के वॉइस कॉल के थ्रू इनसे बात किया था, इनको एडमिशन की सारी जानकारी दी थी, वहीं से हमने इनको कंटेंट भी सेंड किया था और आने की सारी डिटेल बताई थी। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, नेपाल के आप लोग रहने वाले हो, बहुत दूर पड़ जाता है जबलपुर सिटी मध्य प्रदेश, तो आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं हुई। और आने का फैसला कैसा था, एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करने का फैसला कैसा था? जैसे सोच कर आए थे उससे कहीं बेहतर ही मिला, कम तो नहीं मिला कुछ? कम नहीं मिला। और कोई चीज ऐसी जो मैंने जानकारी दी हो और झूठ हो वो, या वो नहीं आपको बताया? नहीं नहीं नहीं, जो सोच कर जो सपना लेके आए थे वो आराम से पूरा। तीनों बोलिए, तीनों बोलिए। खुश है कि नहीं है आकर? हम तो खुश हैं। ठीक है, पहले दिन से आप लोगों ने आईसी पे काम किया यहाँ? यस यस। तीनों ने? यस। ठीक है, कुछ बातें दीपक सर करेंगे इनसे। सो यहाँ पे मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, ये फ्रेशर हैं कि एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप कितने साल से काम करते हो? आप मेरे को दो एक साल हुए। थोड़ा सा तेज बोलिए। दो एक साल हुए। दो साल से आप? मेरा भी हुए तीन चार साल। तीन चार साल। आप? पाँच साल हुआ था। पाँच साल से, दो साल से, तीन साल से, ये इतने दिनों से काम करते थे। पर ये पूछना है हमको कि ये आईसी पे कब से काम करते थे? आप कब से काम किया आईसी पे? जब से यहाँ आया। जब से यहाँ आए, डे वन से? आप यही आने से? और आप यही आए? ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको स्क्रिप्ट लिख के दिया है और अब मैंने बोला कि यही बोलना है आपको? नो नो सर, ऐसा नहीं है ना सर। बोलेंगे क्या ऐसा करके अगर देंगे हम तो? नहीं 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 बोलेंगे, फीस दिया है भाई, नहीं बोलेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, नेपाल से इंडिया आना बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा इनको, क्योंकि अनजान देश है कि नहीं है? अब बहुत भरोसे से आते हैं, तो जिस भरोसे से आप यहाँ एशिया टेलीकॉम आए तो उस भरोसे पे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? खड़े हैं सर। जो जो लेवल का काम यहाँ सीख पाए, शायद और जगह जाते तो नहीं मिलता। नहीं मिलता। फर्स्ट टाइम आए, पर जहाँ भी आए अच्छी जगह पे। यहाँ पे आने का डिसीजन जो आपने लिया था वो सही था कि गलत? एकदम बहुत सही था सर। बहुत सही था, बहुत सही था। आप जिस चीज को सीखने के लिए आए थे, काम सीखने के लिए आए थे, वो काम आपको सीखने को मिल रहा है कि नहीं? मिला सर, बहुत अच्छे से। जो हम वहाँ बैठते थे, कॉम्बो वम्बो चेंज करते थे, चार्जिंग कनेक्टर नॉर्मल काम करते थे, पर आईसी लेवल का जो होता था वो नहीं था हमको। यहाँ आके मालूम पड़ा कि होता है, पर बहुत आसानी से मिला हम लोगों को। इजी और टेक्निक, जो टेक्निक मिला वो बहुत इजी इजी टेक्निक मिला है यहाँ सर। तो आप नेपाल में किस जगह से हो? मैं नेपाल में बुटवल से। बुटवल से हो ना, तो बुटवल बहुत पास में है। हम देखा जाए तो हमारे वहाँ से बुटवल बहुत पास में है, बुटवल के भी स्टूडेंट्स काफी आ चुके हैं यहाँ पे। तो अगर कोई बुटवल से नेपाल से आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे आप? बेझिझक आइए, काम सीखना है तो अच्छे से माइंड मेंटालिटी वही काम सीखने के बनाकर आइए। और अगर कोई नेपाल से यहाँ पे आना चाहे तो क्या रिकमेंड करेंगे उसको, सोनौली बॉर्डर से आना चाहिए या फिर टूटी बारी महेशपुर की बॉर्डर से? नहीं, सोनौली बॉर्डर से अच्छा है। सोनौली बॉर्डर से आना चाहिए? आना तो बॉर्डर आना चाहिए, जहाँ से भी आना चाहिए इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, डेट सेक्शन जो देव सर के साथ में हुआ है कल, कैसा लगा आपको? बहुत, जब सुबह सुबह तो घबरा रहे थे दिन भर कैसा होगा सेक्शन, पता नहीं था ना, पर दिन भर बैठे सर ने बहुत अच्छे से समझाया हर बात, एक एक टेक्निक और एक एक जो होता है डेट को कैसे डायग्नोस करे, एक एक ट्रिक बहुत अच्छे से समझाई सर ने, बहुत अच्छा लगा सर। समझ में आ गया सारी चीज़? बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे, क्या रिकमेंड करना चाहेंगे जो आना चाहते हो, और देव सर के लिए स्पेशल क्या बोलना चाहेंगे? देव सर के लिए तो क्या ही बोले हो, तो दिनेश मैन जी, दिनेश आदमी। चलिए ठीक है, हमारे साथ देंगे। और स्टूडेंट क्या नाम है आपका? संदीप सर। संदीप जी कहाँ से हो आप? नेपाल से। नेपाल से हैं, तो एक बात बताइए, जो चीज़ सोच के आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए वो चीज़ आपको मिला कि नहीं मिला? मिला है सर। मिला है? सच बताइए, झूठ मत बोलिए। क्यों झूठ बोलना? ऐसा नहीं है पैसा वेस्ट गया आपका? नहीं सर, नहीं नहीं। तो यहाँ पे जो आपने फीस दी वो आपका रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है सर। हो रहा है या हो गया? हो रहा है सर। हो रहा है ना, चलिए ठीक है। अभी आपका देखिए एमएमसी भी बाकी है, और कल आपका डेट सेक्शन था, तो डेट सेक्शन देखने का नजरिया बदल गया कि नहीं? हाँ सर, बदल गया। बदल गया डीसी एम्पियर से, आप डीसी मशीन से आप बता सकते हैं कि कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, तो आपको क्या काम करना है, आईसी चेंज करना है, पावर बदलना है, या फिर डीसी चेंज करना है, डीसी टू डीसी, या फिर आपको चेंज करना है ईएमएमसी, या फिर सॉफ्टवेयर करना है, सब सारी चीज़ें पता है? पता है सर। पता है, तो कुछ चीज़ें जो मान लीजिए वोल्टेजेस फ्लैक्चुएट होते हैं जो, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि आप उसको रिपेयर कर पाओगे कि नहीं? कर पाएंगे सर। कुछ बताइए देव सर के बारे में, कैसे ऐसा पढ़ाते हैं, क्या उनका नॉलेज है, पढ़ाने का क्या स्तर है उनका? बहुत बढ़िया है सर, क्या बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है सर, शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो यहाँ पे जो भी क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल है या फिर थ्योरिकल है?
प्रैक्टिकल थ्योरिकल दोनों ही होता है सर। दोनों ही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपको बताइए कैसा लगा क्लास? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया, सेटिस्फाई हो आप? सेटिस्फाई है। चलिए ठीक है, पैसा वसूल हो रहा है आपका? हो रहा है सर। काम सीखने को मिल रहा है? मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है इंडिया से जाके नेपाल में आप यहाँ की बुराई करोगे? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो सोचा था उससे ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा मिल रहा है, कम नहीं मिला आपको? नहीं सर। चलिए ठीक है, आपके लिए स्पेशल चीजें हैं, आपके लिए नहीं, हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल चीज है, बैकअप सपोर्ट। आपको व्हाट्सअप सपोर्ट भी मिलेगा, बैकअप सपोर्ट भी मिलेगा। अगर बाय डिफॉल्ट आपको लगता है घर जाने के बाद किसी सेक्शन में ये फंस रहे हैं, तो उनके लिए बैकअप सपोर्ट है। क्यों मैडम? बिल्कुल, बैकअप क्लास है इनके लिए। तो हमारे मतलब मैडम बैकअप क्लास कितने मंथ में कितनी बार लग जाती है? देखिए मंथ में दो बैच हमारे बैकअप क्लास के लगते हैं, और इनका कोई भी उसमें टाइम लिमिट नहीं है कि ये एक बार आ सकते हैं, ये दो बार आ सकते हैं। इनको जितने बार लग रहे हैं उतने बार आके वापस अपडेट हो सकते हैं, और इनका हम कोई भी पैसा नहीं लेते उसका। देखिए कोई ड्यूरेशन नहीं है यहाँ पे। अगर बैकअप क्लास के लिए तो हम ये नहीं बोलते कि आपको दो घंटे का बैकअप देंगे या फिर दो दिन देंगे या चार दिन देंगे, वो हमारी सारी चीज़ें फिक्स हैं। और जो बैकअप के लिए आते हैं ऐसा नहीं है कि हमने आपको साल में एक बार बैकअप देना है, दो बार देना है, तीन बार, बिल्कुल नहीं देना है मैडम। आप हर महीने आइए, बैकअप दो क्लासेस लगती हैं बैकअप क्लास की हमारी, महीने में दो बार लगती हैं। आप कितने तारीख को लगती है मैडम? एक हमारी 9 से स्टार्ट होती है, सेकंड हमारी 23 तारीख से स्टार्ट होती है। बिल्कुल, जब आपको लगे आप महीने में दो बार आना चाहे दो बार आइए, कोई इशू नहीं है हमको बताने में, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं और हमने आपका हाथ पकड़ा है और लास्ट तक पकड़ के रखेंगे। इनके लिए नहीं, स्पेशल मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं 2015 2016 2017 2018 जो भी है वो भी आ सकते हैं बैकअप क्लास के लिए। चलिए बताइए आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद? यहाँ पे काफी कुछ नॉलेज मिल रहा है। नॉलेज मिला पहले यहाँ पे? स्किल टीचर से आप पढ़ रहे हैं या फिर बेसिक टीचर से पढ़ रहे हैं? स्किल सर। स्किल है। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे? कोई नेपाल से आना चाहे तो आ सकता है, जिसने काम सीखना है मतलब। किसके भरोसे पे? आपके भरोसे पे आ सकता है? आ सकता है। थोड़ा सा नेपाली में बोलिए कि आपके भरोसे पे आ जाए। नेपाली उतनी आती नहीं ना मेरे को। अच्छा, आपको पूरी नेपाली नहीं आती? आप कहीं और रहते हैं ना? नेपाल से हैं पर रहते कहीं और हैं? कहीं और रहता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप बोलिए नेपाली में कि आप अगर आप नेपाल से हो तो आना चाहे तो कैसा कर सकते हैं? काम सीखने के लिए, काम ही सीख्ने भनेपछि अब सीख्ने के लिए तो आउँदा हुन्छ, किनभने राम्रो यताउति भड्किनु, दिल्ली सिल्ली यताउता जानु भन्दा यही ठीक छ। ठीक छ, राम्रो छ, धेरै ठीक छ। ठीक छ, आप बताइए। ठीक छ, धेरै राम्रो छ सर, धेरै राम्रो छ। चलिए ठीक है, थ्याङ्क यू सो मच।